चलिए दोस्तों, तो ब्रेक से पहले हमने क्या देख लिया? वी टॉक्ड अबाउट स्टेप वन, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया और देखा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ही हम क्या करेंगे, वील मूव फॉरवर्ड विद द अदर स्टेप्स। और स्टेप टू पे आते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो किसकी बात करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या प्रोमिसज हैं उसको आइडेंटिफाई करिए। एंड देन आइडेंटिफाई वॉट आर दीज टाइप्स ऑफ प्रोमिसज, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड वेन विल वी ट्रीट दैट द प्रोमिस हैज बीन सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। हम एग्जाम में और बार बार शब्द क्या यूज करेंगे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, लेकिन आप दिमाग में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को क्या मानेंगे, प्रॉमिस ऑफ द सेलर। आई रिपीट, प्रॉमिस ऑफ द सेलर, ये सेलर की प्रॉमिस है जो उसे करना है परफॉर्म, दैट इज वाई इसका नाम पड़ गया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सिंपली क्लास में हम इसको पीओ भी कह सकते हैं। तो फाइव स्टेप मॉडल का वी आर ऑन द स्टेप टू, which talks about performance obligation under CWC, which is contract with customers. Ind AS कहता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जितनी प्रोमिसेस आपने की हैं वो सारी प्रोमिस आपकी बनेगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब आपको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया था Ind AS का, क्या है, पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ूँ, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में देखो कितनी प्रोमिसेस है, समझो वो प्रोमिस कब परफॉर्म होगी, फिर देखो कॉन्ट्रैक्ट में कितनी प्राइस है और वो प्राइस को फिर आप अलोकेट करो स्टेप फोर में इंडिविजुअल प्रॉमिसेस पे। और जैसे जैसे प्रॉमिस सेटिस्फाई होती जाएगी वैसे वैसे उसका रेवेन्यू बुक होते जाएगा। अब सवाल ये है कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसमें प्रॉमिसेस कई सारी होती है, क्या ये सारी प्रॉमिसेस को इंडिपेंडेंट प्रॉमिस मान के जब जब ये प्रॉमिस इंडिविजुअली सेटिस्फाई होती जाए क्या मैं उसका रेवेन्यू बुक करते जाऊँ, या फिर मैं ऐसा ट्रीट करूं कि ये सारी की सारी प्रॉमिसेस एक ही बड़ी प्रॉमिस का पार्ट है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल कंसिडर द होल प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड एज वन इंडिविजुअल सिंगल प्रॉमिस, व्हाट शुड आई डू। हाँ दे दो, तो क्या ट्रीटमेंट मुझे फॉलो करना चाहिए, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अब आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ। एक्वागार्ड का एग्जाम्पल मैंने लिया कि वो आके हमारे इंस्टॉल करेगा और फ्री सर्विस देगा, क्या ये दो अलग अलग प्रॉमिस है या ये मिला के एक प्रॉमिस है। मारुति कंपनी ने कहा कि मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ और तीन फ्री सर्विस दे रहा हूँ, क्या ये तीन फ्री सर्विस अपने आप में सेपरेट प्रॉमिस है और गाड़ी सेल करना अलग प्रॉमिस है या ये कंबाइंड एक प्रॉमिस है। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक फ्लाइट टिकट बुक करी जेट एयरवेज की, ओह अब तो शहीद हो गई, उसमें उन्होंने कहा कि आपको खाना भी खिलाएंगे, क्या उड़ा के ले जाना और रस्ते में खिलाना, क्या ये दो अलग अलग प्रॉमिस है या एक प्रॉमिस है। आपने एक हॉस्टल में 7,000 रुपये पर मंथ का किराया देकर रूम बुक किया है जिसमें आपको मेस की सुविधा भी दी जाएगी, क्या रुकना एक अलग प्रॉमिस है और मेस की सुविधा एक अलग प्रॉमिस है। अब इसी बात है, जब आप एक होटल में जाओगे तो वहां पे वेन्यू स्टे हो सकता है कि वेन यू आर स्टेइंग इन अ ताज होटल दे में चार्ज यू 7,000 फॉर वन नाइट और वो उसमें आपको ब्रेकफास्ट बस देंगे, क्या ब्रेकफास्ट एक अलग प्रॉमिस है और स्टे करना एक अलग प्रॉमिस है। सपोज आपने कोई मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है किसी होटल में, तो मैरिज फंक्शन में नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, वो चार्ज आपसे करते हैं पर प्लेट बेसिस पे, पर बदले में वो आपको सर्विसेज में क्या देंगे, सो दे विल गिव यू सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू वन, गिविंग यू द प्लेस ऑन रेंट, टू दे विल बी गिविंग यू डेकोरेशन सर्विसेज, थ्री दे विल बी ऑल्सो डूइंग द इवेंट मैनेजमेंट एंड फोर दे विल ऑल्सो बी सर्विंग फूड। क्या ये चारों की चारों एक्टिविटीज वो जो कर रहे हैं ये अलग अलग प्रोमिसेज हैं या ये सब मिला जुला के एक कंबाइंड प्रोमिस है। ये क्यों डिसाइड करना है, क्योंकि इसके बेसिस पे फिर हम अगर अलग अलग प्रॉमिस हुई तो ट्रांजैक्शन प्राइस अलग अलग अलोकेट करेंगे और जो प्रॉमिस जैसे जैसे सेटिस्फाई होगी वैसे वैसे रेवेन्यू बुक होगा। पर अगर ये पूरी की पूरी एक ही प्रॉमिस मानी जाएगी तो फिर उस केस में जब वो ओवरऑल प्रॉमिस सेटिस्फाई होगी तब ओवरऑल रेवेन्यू हम बुक करेंगे एंड इन दैट पर्टिकुलर केस इंडिविजुअल सेल्स बुक नहीं होगी। तब आप बताइए ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि वेदर दीज प्रोमिसेज आर डिस्टिंक्ट और दे फॉर्म वन सिंगल प्रॉमिस। इसके लिए इंडेस क्या कहता है, तो आप देखिए व्हाट डज द इंडेस सेज, इट सेज ईच प्रॉमिस ऑफ एंटिटी टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड एंटिटी टू आइडेंटिफाई ईच प्रॉमिस। ये प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिट इंप्लाइड कुछ भी हो सकती है, अब हम देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। तो इंडेस कहता है कि आप देखो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रही है, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, तो ये सब अलग अलग प्रॉमिस है। इसका मतलब क्या है,
सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा है कि हम आपको क्या करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आई एम गोइंग टू सप्लाई यू 12 मैगजीन्स। अब कॉन्ट्रैक्ट एक है जिसमें आपको 12 महीने की 12 मैगजीन मंथली बेसिस पे सप्लाई करनी है। क्वेश्चन है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या ये 12 मैगजीन मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट है, या हर मैगजीन को सप्लाई करना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये डिसाइड करने के लिए रूल क्या है, तो ये बोलते हैं क्या ये गुड्स और सर्विस अपने आप में डिस्टिंक्ट नेचर की हैं, या फिर क्या ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हैं जो सब्सटैंशियली सेम है और सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर है। सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि इन सर्विसेज को परफॉर्म करने का जो मेथड है वो मेथड सेम है, और ये सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई होती है जो अपन पैरा 35 में पढ़ेंगे। तो आपको समझना है क्या ये अलग अलग गुड्स और सर्विसेज क्या जो आप सप्लाई कर रहे हो 12 महीने में, नहीं, सेम मैगजीन सप्लाई हो रही है, ठीक है। सेकेंड, अगर आप देखा जाए तो आप ये भी समझ सकते हो कि इनका पैटर्न ऑफ ट्रांसफर भी एक जैसे ही होगा, महीने के महीने वही तरीके से मैं मैगजीन सप्लाई करूंगा। तो आप मान सकते हो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 12 मैगजीन सप्लाई करना एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो कब सेटिस्फाई होगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस इंडेस का, जिसको अब हमें डिस्कस करके समझना पड़ेगा। बट बिफोर आई कम टू ओवर अ पीरियड और एट अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बाद पूरी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होगी, आप पहले वापस से इस कॉन्सेप्ट को समझो। क्या ये अलग अलग गुड्स और सर्विसेज है? नहीं, इसका मतलब कि ये सेपरेट प्रोमिसेस नहीं है। लेकिन अगर मेरे सप्लाई में सेपरेट गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने की बात आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं मान सकता था कि अपने आप में सब इंडिविजुअल अलग अलग प्रॉमिस है। तो अगर आप एक स्कूल ज्वाइन करते हैं साल भर के लिए, तो आपको साल भर ट्यूशन दी जा रही है जो सेम गुड्स और सर्विसेज है। हो सकता है कि आप ये कहे कि यार उसमें ट्यूशन अलग है और उसमें साथ साथ में क्या है जो मेस की फैसिलिटी है वो अलग अलग है। तो फिर अगला स्टेज, अगला क्वेश्चन उठेगा कि क्या अब इन दोनों को मैं अलग अलग सर्विसेज मानूं, या इनको कंबाइंड मान के एक प्रॉमिस मानूं अंडर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो इसके लिए अब आप देखो, इंडेस कहता है व्हाइल यू आर आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू विल ट्रीट देम एज डिस्टिंक्ट इफ इट गिव्स इंडिपेंडेंट बेनिफिट टू द कस्टमर एंड द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स एंड सर्विस कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। तो ये क्या कस्टमर को इंडिपेंडेंट बेनिफिट दे रही है, और क्या आप इसे सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका मतलब समझना बहुत अच्छे से। आप जब हॉस्टल में रुक रहे हो तो मेस की फैसिलिटी और रुकने की फैसिलिटी के आपके लिए दो इंडिपेंडेंट बेनिफिट्स हैं शायद, हाँ। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर आप स्कूल जाते हो और वहां पे आपको मेस की फैसिलिटी और ट्यूशन की फैसिलिटी दी जाती है, टीचिंग की फैसिलिटी दी जाती है, क्या ये दोनों अपने आप में आपको अलग अलग बेनिफिट्स दे रहे हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये कहूंगा कि यार बेनिफिट तो मेरे लिए सिर्फ पढ़ाई है, वो तो साथ में क्योंकि लॉन्ग आवर्स है इसलिए मुझे क्या किया गया है, कैंटीन फैसिलिटी दी गई है, मेस फैसिलिटी दी गई है। तो फिर उस केस में आप कह सकते हो कि मेरे लिए दोनों इंडिपेंडेंट बेनिफिट नहीं है, कि मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता था कि पढ़ भी लूँ और खा भी लूँ। हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम पढ़ लें और रास्ते में फिर ऑब्वियसली बात है उस दौरान हमें खाना भी मिले। यानी कस्टमर के लिए इसका इंडिपेंडेंट बेनिफिट नहीं है, तो ये दो अलग अलग प्रॉमिसेस नहीं है। वहीं पर आप समझिए, होटल में मैं रुका प्रैक्टिकली स्पीकिंग और होटल में मुझे ब्रेकफास्ट दिया है लेकिन आगे की मील्स नहीं है, तो मेरे रेंट में ब्रेकफास्ट शामिल है और स्टे शामिल है, तो फिर अब मैं क्या कहूँ? तो नॉर्मली आप स्टे कर रहे हो और ब्रेकफास्ट एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि साथ में दिया जाता है, तो आप कहोगे कि ये पूरा का पूरा एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दीज आर नॉट टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। पर से फॉर एग्जाम्पल आपने गोवा में होटल बुक किया और उन्होंने बोला आपको साइट सींग पे भी ले जाएंगे, और एक टोटल प्राइस डिसाइड की, हमने बोला यार गोवा की साइट सींग हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, हम जरूर जाएंगे, वी हैव लर्न्ड अ लॉट अबाउट गोवाज नेचुरल ब्यूटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब आपको दो प्रोमिसेस दी जा रही हैं, एक रुकने की और एक साइट सींग की। क्या कस्टमर के लिए दोनों के इंडिपेंडेंट बेनिफिट्स हैं? शायद हाँ। और क्या कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों को अलग से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है? शायद हाँ। इसका मतलब क्या ये सेपरेट प्रॉमिसेस अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? हाँ। इसका मतलब इन दोनों में आपको टोटल प्राइस को अलोकेट करके दोनों का रेवेन्यू अलग अलग बुक करना पड़ेगा।
अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए इंडेस ने क्या किया है, इंडेस ने बोला है ये तीन फैक्टर हैं जो आपको मदद करेंगे फाइनल डिसीजन निकाल के देने में। क्या डिसीजन? क्या आपको ये मानना है कि गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं या एक ही है? अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप मान लीजिए कि ये सारी गुड्स और सर्विसेज एक ही हैं, इट इज पार्ट ऑफ वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अन्यथा आप ये माने कि ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और ये तीनों और कंडीशंस है, व्हाट आर दीज कंडीशंस? फर्स्ट, क्या एंटिटी उन गुड्स और सर्विसेज के इंटीग्रेशन को महत्व देती है, वेदर इट एम्फेसाइजेज ऑन इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। थोड़ा ध्यान से सुनना, 10-15 मिनट के डिस्कशन के बाद पूरी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर होगी। हेलो, एक्सक्यूज मी, तो आप समझिए, जेट एयरवेज कहता है कि हमें एक प्रीमियम एयरलाइन है, हम आपको खाना भी खिलाते हैं, और वो इस पे फोकस करता है कि यार हमारे थ्रू ट्रैवल करोगे तो खाना भी मिलेगा। जेट एयरवेज का लॉजिक ये था कि यार मेजॉरिटी कंज्यूमर्स जो हुआ करते हैं वो सब कौन होते हैं? कॉरपोरेट कंज्यूमर्स होते हैं जो बेसिकली किसी कंपनी के बिहाफ पे ट्रैवल करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि वो कंपनी के बिहाफ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका खुद का पैसा नहीं लग रहा है, तो वो हमेशा ऐसी एयरलाइन प्रेफर करेंगे जिसमें कुछ खाना भी मिले, इसलिए वो क्या करते हैं, खाना फ्री देते हैं। और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पिच पॉइंट है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, या था, अब तो है नहीं। इसका मतलब वो इंटीग्रेशन पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि बॉस आप हमारे यहाँ आओगे तो मील साथ में मिलेगी। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन व्हाट वी कैन से इज दैट मील्स एंड फ्लाइट टुगेदर आर वन कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सेकेंड, क्या एक गुड्स और सर्विस दूसरी गुड्स और सर्विस को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करती है? मतलब वेदर दी टू गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वेन वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट सेपरेट और वन, आप ये समझ लीजिए ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में है जहां पे क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली एक से ज्यादा प्रोमिसेस दिख रही है पर हम समझ नहीं पा रहे हैं ये अलग अलग प्रोमिस है या एक प्रोमिस है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा गुड्स और सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन एक गुड या सर्विस दूसरी गुड्स और सर्विस को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर रही है। एंड व्हेन आई से सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर रही है, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ दैट द अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज गेटिंग अफेक्टेड बाय वन गुड्स एंड सर्विसेज सिग्निफिकेंटली। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप यू समझ सकते हैं इसमें कि इफ आई हैव एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कार विथ थ्री फ्री सर्विस, और मेरा ये मानना है कि ये तीन फ्री सर्विस बहुत ज्यादा असेंशियल है मेरी सेल ऑफ कार के साथ प्रोवाइड करने के लिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में मेरी कार की या मेरी कंपनी की रेपुटेशन अफेक्ट होगी, बिकॉज मेंटेनेंस कस्टमर नहीं कराएगा, नाम मेरे पर आएगा, यानी वन विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द अदर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने टाटा कंपनी से गाड़ी खरीदी और मैंने उसको कहा कि मैंने ट्रक खरीदी और मैंने बोला कि यार ये ट्रक को आप ही क्या करिए, इसकी बॉडी बना के दे दीजिए, तो आई गॉट अ ट्रक अलॉन्ग विद द बॉडी बिल्डिंग फॉर द ट्रक। अब ये जो ट्रक मैंने खरीदा है ना दोस्तों, ये क्या है, ये बेसिकली एक ऑयल टैंकर है, और टाटा कंपनी का एक सेपरेट डिविजन है जो बेसिकली क्या करता है, ऑयल टैंकर्स बनाता है। उसका जो चेचिस और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सब कुछ सेम है, बट टैंकर बनाने के लिए दे बेसिकली क्रिएट द पर्टिकुलर टैंक ऑन देयर ओन एंड गिव यू अ कंसोलिडेटेड वन सिंगल ट्रक। यहां पे जो टैंकर बनाने का एक्ट है दोस्तों, ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है किसको, मेरे पूरे व्हीकल को। दैट मीन्स वन सर्विस ऑफ मेकिंग द टैंकर इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द अदर गुड्स विच इज द ट्रक एज अ होल, हेंस दिस विल बी ट्रीटेड एज वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सपोज मैं बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ट्रक खरीद रहा हूँ और ट्रक की एक नॉर्मल बॉडी बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे नॉर्मल क्या करना है वहाँ पे, नॉर्मल जो अपने गुड्स होते हैं बेसिकली आई कैन से सैंड और गिट्टी या सरिया ये कैरी करना है, तो आई नॉर्मली वॉन्ट टू मेक अ ट्रक बॉडी। मैंने टाटा को बोला आप बॉडी भी बना के दे दो, तो प्रैक्टिकली टाटा ने मुझे एक लमसम प्राइस चार्ज करी है फॉर ट्रक एज वेल एज द बॉडी। अब टाटा कोई बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है आपको बाहर बनाना है बॉडी उसकी बाहर बनवा लो, हमसे बनाना है हमसे बनवा लो,
प्लस ऐसा भी नहीं है कि हम जो बॉडी बनाएंगे उसके कारण व्हीकल का स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो फिर इस एक कॉन्ट्रैक्ट में ये जो दोनों काम आपने किए हैं, ये दोनों अपने आप में सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आपको पूरी प्राइस को इन दोनों में एलोकेट करके ऐसे ऐसे सेटिस्फाई हो गया रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा। थर्ड, गुड्स और सर्विसेज अगर हाईली इंटरलेटेड या इंटरडिपेंडेंट है बिटवीन देमसेल्व, इसका मतलब क्या है? यू कैन नॉट एक्चुअली सेग्रीगेट वन फ्रॉम दी अदर। जैसे मैंने बात की थी, रोड बनाने का काम मुझे मिला और साथ में फुटपाथ बनाना है, तो प्रैक्टिकली मुझे दोनों चीज़ें करना है। बट आप एक्चुअली ऐसा नहीं कर सकते कि रोड आप बना लो और फुटपाथ किसी से बनवा लो, या रोड बनाना है और उसका ड्रेन सिस्टम भी बनाना है। प्रैक्टिकली जो रोड बनाएगा वही इस तरह की क्या करेगा, स्लोपिंग देगा, ड्रेन सिस्टम मैनेज करेगा, यानी ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तो आप बोलने के लिए भले ही बोल दो कि ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, बट टेक्निकली ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए। आ रहा है भाई समझ में? तो प्रैक्टिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केसेस, ये तीन फैक्टर आपको फाइनल डिसीजन दे देंगे कि क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट में स्प्लिट करना है गुड्स और सर्विसेज को, या उन्हें एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना है। मुद्दे की बात बस अब आपको ये समझना है, सुनना ध्यान से। एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और अगर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो आप बताओ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा? तो अब आप समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये चीज़ अगर आपने दिमाग में अच्छे से फिट कर ली दोस्तों, दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू सब्सटैंशली टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल बेसिक गुड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। बहुत ध्यान से समझना, कॉन्ट्रैक्ट एक है, हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट में आप कहें कि देर इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, या आप बोले देर आर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये कौन सा? जो मैंने ट्रक लिया है जिसे मैं एज अ ऑयल टैंकर यूज करूंगा और मुझे टैंकर की बॉडी बना के टाटा कंपनी दे रही है। ये मैंने ट्रक लिया है और उसके ऊपर नॉर्मल बॉडी मैंने उस पर बिल्ड कराई है, और इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब आपको ये देखना है कि सिंगल पीओ में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का सेटिस्फैक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होगा, या ओवर अ पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम होगा। सेटिस्फैक्शन क्या होता है? आप ये कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन अपन आगे डिफाइन करेंगे, जब कस्टमर को कंट्रोल मिल जाता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, यानी एसेट के ऊपर, तो मानते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हो गया। अभी देखते हैं, आपको ये देखना है वेदर इट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो पैरा 35 में डिफाइन किया है। इससे आपका पूरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन अफेक्ट होगा। व्हेन आई से एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हेन आई से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक पॉइंट पर परफॉर्म होकर फिनिश हो गया। सिंपल एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? मैं गया किसी शोरूम में और मैंने वहां से एक टीवी खरीदा, एलईडी खरीदी, पैसे दिए, एलईडी लिया, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम फिनिश। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है? मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप साल भर तक हमारे सारे कंप्यूटर इक्विपमेंट को मेंटेन करके दोगे, एएमसी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको ये सोचना है कि आपके इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली बात परफॉर्मेंस एट अ पॉइंट होगा या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। ये डिसाइड करने के लिए इंडेस ने एक बेसिक रूल दिया है जिसको दिमाग में अच्छे से बिठा लो। इंडेस कहता है कि अगर आप 2 मिनट के लिए ये सोचिए, करना नहीं है ऐसा, सोचना है कि अगर आप सेलर कॉन्ट्रैक्ट को आज कैंसल कर देते हो, इनफैक्ट आई रिपीट, अगर आज कस्टमर सेलर के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर देता है बिना सेलर की गलती से, तो क्या सेलर प्रोपोर्शनेट पैसे मांग सकता है? विल आई हैव द राइट टू आस्क फॉर प्रोपोर्शनेट प्राइस? इफ द आंसर इज यस, इसका मतलब द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ द आंसर इज नो, द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है समझना, एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं।
मैंने कहा कि यार मुझे कंप्यूटर चाहिए। आपने बोला क्या कॉन्फ़िगरेशन? मैंने बोला यार इस तरह का ये कॉन्फ़िगरेशन है। आपने बोला ठीक है, बना के दे देते। अब से फॉर एग्जाम्पल, करना नहीं है ऐसा, सोचना है। अगर आपने ये कंप्यूटर बनाना शुरू किया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों हुआ है? आपकी गलती के कारण नहीं हुआ है। तो अब आप बताइए, क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे जितना आपने काम किया है उतना पैसा मांग पाओगे क्या? यानी आपने आधा कंप्यूटर बना दिया है, तो क्या आप आधे कंप्यूटर के पैसे मांग पाओगे क्या? शायद नहीं। हाँ, आप पेनल्टी ले सकते हो सामने वाले से, क्योंकि पेनल्टी भी नहीं मांग पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, है ना? यूनिलैटरली कैंसिलेबल हो गया। पर कस्टमर ने कैंसिल बीच में किया है, तो क्या आधा कंप्यूटर बताया तो आप आधे पैसे मांग पाओगे क्या? शायद नहीं। इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई होगा। यानी कि जब पूरा कंप्यूटर बना के आप डिलीवर कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी प्रॉमिस सेटिस्फाई हो जाएगी, खत्म। लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी को कहता हूँ कि यार आप मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बना के दो। तो मैंने TCS को बोला कि यार आप मेरे लिए एक वेबसाइट बना के दो, और एक ऐसी वेबसाइट हो जहाँ पे क्या हो, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिकली अवेलेबल हो, कि स्टूडेंट आए और उसको एडमिट चाहिए वहाँ चले गया, उसको लेक्चर्स खरीदता है वहाँ चले गया, उसको डाउनलोड्स करता है, एक प्रॉपर बढ़िया साइट बनाए और हमेशा कस्टमर को सर्विस मिलती रहे, ऐसी एक बढ़िया साइट बनाइए। TCS ने बोला ठीक है, 6 महीने लगेंगे। TCS सेलर है, मैं बायर हूँ। उसने 3 महीने तक साइट बनाई और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, TCS की गलती के कारण नहीं, बस मैंने कैंसिल कर दिया। आप बताइए, क्या TCS मुझसे प्रोपोर्शनेट पैसे मांग सकता है क्या? आई एम द बायर एंड TCS इज द सेलर। क्या वो प्रोपोर्शनेट पैसे मांग सकता है क्या, जितना एफर्ट उसने डाला है? पेनल्टी छोड़ दीजिए, उसके अलावा बात कर रहे। हाँ, मांग सकता है जितना काम उसने किया है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो बस अब आपको ये सोचना है ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है या ओवर अ पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर आपको सिर्फ ये समझना है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम कब आएगा जब सेटिस्फाइड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और आप उस समय रेवेन्यू बुक कर दीजिए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है तो फिर आपको ये समझना है कि क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, इसलिए रेवेन्यू यहाँ पे एक दिन नहीं, ओवर अ पीरियड बुक होगा। यानी यहाँ पे फिर अलग अलग मेथड्स यूज करना पड़ेंगे मेजर करने के लिए कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया है, और अकॉर्डिंगली उसके अनुसार रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो आप समझिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, से फॉर एग्जाम्पल BMW कंपनी ने कोई एक नई गाड़ी निकाली और उसकी बुकिंग लेना शुरू करी है। तो उन्होंने धूम 4 नाम की एक गाड़ी निकाली है, बढ़िया है, जो बटन दबाओ तो क्या है, शिप बन जाती है, बटन दबाओ तो बाइक बन जाती है, बटन दबाओ तो बेल बन जाती है, आर्टिकल बन जाती है, ऐसी कुछ तो भी सर, कुछ तो भी। तो ऐसी बाइक निकाली है, बढ़िया, धूम 4 में यूज होगी वो। और उन्होंने बोला है कि अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए देके बुकिंग कर दें, और 3 महीने बाद आपको गाड़ी सप्लाई की जाएगी। अब आप बताइए, मैंने 1 लाख रुपए करके बुकिंग कर दी और ये पैसा डूब जाएगा अगर मैंने बुकिंग कैंसिल करी, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2, यहाँ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है गुड्स डिलीवर करने की। अब इसमें ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है या ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम है? सपोज 1 महीने बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट, या 2 महीने बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, नॉट बिकॉज ऑफ BMW एरर, तो क्या BMW ने जितनी गाड़ी मेरे लिए बना के रेडी कर ली उतने पैसे मांग पाएगा क्या? नहीं, वो तो 1 लाख रुपए ही ले पाएगा। यानी कि क्या वो प्रोपोर्शनेट पैसा मांग सकता है अपने एफर्ट का? नहीं, क्योंकि वो किसी और को भेज देगा। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है जो कब सेटिस्फाई होगा? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में अपने को आगे पढ़ना होगा कि कब माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाइड हुआ है, उस समय आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल, इसकी बजाय मैं BMW कंपनी को कहता हूँ कि यार आपका एक कंस्ट्रक्शन डिवीजन है और उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक इस डिजाइन की क्रेन चाहिए, तो आई एम मेकिंग हाई राइज बिल्डिंग एंड आई वांट अ क्रेन विच कैन सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर वर्क। और उन्होंने बोला है कि ठीक है, ये ऑन स्पेसिफिकेशन क्रेन बनाई जाएगी, और उसके लिए उन्होंने 2 साल का समय लिया है, और मैंने उनको एक छोटा सा एडवांस दिया है, और नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और साल भर बाद मैं मना करूंगा, तो क्या BMW, आप बताइए, मुझसे प्रोपोर्शनेट पैसा जितना काम किया मांग सकती है क्या? यस। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
ये बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है टू डिसाइड ओवर अ पीरियड है या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है। आप बताओ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दे बे किस में आसानी होगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि वहां पे एक शॉट में पूरा रेवेन्यू बुक हो जाएगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में रेवेन्यू कैसे बुक होगा, एक शॉट में नहीं होगा। इस साल में जितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ उतना रेवेन्यू बुक होगा। तो आप समझिए मेरा काम फ्लैट बेचने का है, मैंने फ्लैट बेचा आपको तो ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, जब बेचूंगा पूरा रेवेन्यू बुक कर दूंगा। पर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, जो आप एस सेवन में पढ़ते थे एड एस इलेवन में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ्लैट बेचता नहीं हूँ, मैं तो आपके बिहाफ पे बताता हूँ। तो जितना इतना बनेगा उतना उतना पैसा मैं आपसे मांग सकता हूँ, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें मुझे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड निकालने की कोई तरकीब यूज करना होगी और रेवेन्यू हौले हौले बुक करना पड़ेगा। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट में पहले आप देखो सिंगल पीओ है या एक से ज्यादा पीओ है। अगर एक ही पीओ है तो आप देखो ये सेटिस्फाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होगा या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। अगर आपको लगता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे कि आपने बोला भाई टैंकर मैं पूरा बना के दूंगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, प्रोपोर्शनेट पैसा मांग नहीं पाएगा सामने वाला, मांगेगा तो पूरे पैसे मांगेगा नहीं तो पेनल्टी लेगा फॉर डैमेजेस। तो इस पर्टिकुलर केस में वेन एवर कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ पीओ पे आप क्या करो, यू कैन रिकॉग्नाइज 100% रेवेन्यू। लेकिन हियर व्हाट विल हैपन इज ओवर द पीरियड ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पीओ रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। टू द एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड, जिसको आप पहले बोलते थे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, विच इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप सोचो वही अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा पीओ है, जब आप कहते हो ट्रक और बॉडी बिल्डिंग अपने आप में दो सेपरेट पीओ है, तो अब आप क्या करोगे, देन इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल हैव टू देन फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई वेदर इट इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और इट इज सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। And then accordingly you will have to follow the same principles. और यहाँ पे जब आप ऐसा करोगे तो each PO identify करने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, transaction price का allocation भी important हो जाएगा to each as an individual PO. सिंगल पीओ में पूरी ट्रांजैक्शन प्राइस उसी पीओ में जाएगी, मल्टीपल पीओ में आपको क्या करना पड़ेगा, अलोकेट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन प्राइस को इंडिविजुअल पीओस में, तो वो एक स्टेप मेहनत और बढ़ जाएगी। तो आपने बोला यार मैं ट्रक देता हूँ आपको, बड़े बिल्डिंग मुझसे कराना है किसी और से कराना है तो करा लो, इसका मतलब ए कंपनी कोई एम्फेसाइज नहीं कर रही है इंटीग्रेशन पे, बी बॉडी बिल्डिंग कोई गुड्स के नेचर को सब्सटेंशियली अफेक्ट नहीं कर रही है, सी ऐसा भी नहीं है दोनों एक दूसरे में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये एक डिस्टिंक्ट प्रॉमिस है। डिस्टिंक्ट प्रॉमिस है तो अब आप क्या करो, ट्रक सप्लाई करना और बॉडी बिल्डिंग करना तो अलग अलग है। अब ट्रक के केस में आप बताइए, सपोज किसी ने ऑर्डर दिया और बाद में कैंसिल कर दिया तो आप क्या करोगे, एडवांस जो दिया है बस वही कैंसिल कर पाओगे, जितनी ट्रक आपने उसके लिए बनाई है उसके लिए तो बनाई नहीं, जनरली बना रहे उतने पैसे तो नहीं मांग पाओगे, तो ट्रक कौन सी चली गई, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में चली गई। तो सपोज आपने ट्रक के लिए फॉर एग्जाम्पल यू हैड चार्ज 25 लाख फॉर द ट्रक एंड यू हैड चार्ज 10 लाख फॉर बॉडी बिल्डिंग, तब आप क्या करो, क्योंकि आपको अलग अलग प्राइस पता है तो आप 25 और 10 एलोकेट कर दो। 25 लाख कब बुक करना, जब आप ट्रक का पोजीशन हैंडओवर कर दो या सेटिस्फैक्शन हो जाए। अब कब मानेंगे मैंने पीओ अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रक डिलीवर करने का सेटिस्फाई कर दिया, वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो सेटिस्फैक्शन ए आपको कब लगे, मैं जब ट्रक निकाल के आपको हैंडओवर कर दूं तब, या जब उसकी बॉडी बिल्डिंग होने के बाद वो ट्रक आपको हैंडओवर होगा तो उस समय, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि सेटिस्फैक्शन कब माना जाएगा, उस समय आप उसका पूरा रेवेन्यू बुक कर दो। रही बात बॉडी बिल्डिंग की, तो बॉडी बिल्डिंग में आप बताओ, मैंने बोला कि यार आप मेरे बिहाफ पे चेजिस के ऊपर पूरी ट्रक की ऐसी बॉडी क्रिएट करके दीजिए। अब सपोज आधी बॉडी आपने बनाई और मैंने बोला यार रेंदो अपनी बनाना, क्या प्रोपोर्शनेट पैसा टाटा कंपनी मांग सकती है, हाँ, इसका मतलब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें फिर परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड के बेसिस पे रेवेन्यू होले होले बुक होएगा। अब आई होप कि आपको पूरा लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया है, स्टेप्स क्या चलते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप टू में देखो कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा आपको प्रॉमिसेस दिखे, पर क्योंकि वो डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस नहीं है या सेम सीरीज का पैटर्न को बिलोंग करती है, तो उस केस में आप उसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान लो।
तो आपको एक जैसी मैगजीन बराबर सप्लाई करनी है, हर साल बस अलग अलग, हर महीने अलग अलग एडिशन आ रहा है, आप उसे एक पीओ मान सकते हो। आ रही है भाई बात समझ में? आपने बोला एक्वागार्ड फिट करेंगे और उसमें हम सर्विसिंग भी देंगे, या आपको गाड़ी देंगे और सर्विसिंग भी देंगे, और आपके लिए सर्विसिंग बहुत इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस है, जैसे जेट एयरवेज वाले एग्जाम्पल में खाना इंटीग्रेटेड टू फ्लाइट है, तो इस पूरे को आप एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाले अलग अलग दे पाता है। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस बोलती है भैया आप चाहो तो क्या करिए, फ्लाइट बुक करिए, और आप चाहो तो साथ साथ में आप वहाँ पे पेमेंट करके ऑनलाइन क्या कर सकते हो, खाना भी बुक कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली उसके लिए इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, अलग अलग परफॉर्म हो रही है, आप मान लीजिए दो दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है अंडर वन फ्लाइट। अब आप हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे क्या देखो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है या ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है तो जब पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा तब रेवेन्यू बुक करता, ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप होले होले मेजर करता कितना काम हो गया और उसके बेसिस पे रेवेन्यू बुक कर लेता। ये सब समझने के बाद अब आपको क्या समझना है, सिर्फ दो चीज़ें और बचती है समझने की। वो पहला क्या हुआ, कब बाधा जाएगा कि हमने सेटिस्फाई कर दिया है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और दूसरा क्या समझना बाकी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड कैसे मेजर होगा, लेट अस कम टू दैट। आप देखिए सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहले पढ़ेंगे कब माना जाता है, एंड देन मेजरिंग प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस मेजर करना सिर्फ कहाँ इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ पीओ कब होएगा, तो एक देखो इंडेक्स क्या बोलता है, थोड़ी सी लैंग्वेज सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आंसर लिखने के काम आएगी। एग्जाम में ये लिखना है आपको कि कब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी अपनी भाषा में प्रॉमिस परफॉर्म हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। इंड एज कहता है व्हेन द कंट्रोल ओवर द असेट इज ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर। इंड एज कहता है अगर आप गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को कुछ भी दे रहे हो तो कस्टमर का वो गुड्स या उस सर्विस के ऊपर कंट्रोल आ रहा है, यानी कस्टमर के लिए वो एक असेट है। क्या है असेट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कस्टमर को मेंटेनेंस सर्विस दी, तो कस्टमर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विस मिल रही है वो एक असेट है। पहले उसे गुड सप्लाई कर देगा कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो उसके लिए एक असेट है। तो कहते हैं जब आपने असेट पर कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया हो कस्टमर को, तब मान लो कि आपने अपनी प्रॉमिस सेटिस्फाई कर दी है और तब आपको रेवेन्यू बुक करना होगा। कब माना जाएगा कि आपने असेट पे कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है? तो यहां पे दो बातें हो गई, एक असेट और एक कंट्रोल। तो असेट का मतलब क्या है, गुड्स और सर्विस जो कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को मिल रही है वो उसके लिए असेट है। कंट्रोल कब ट्रांसफर माना जाएगा, तो सेम प्रिंसिपल जो आप इंडेक्स 16 पीपी वगैरह में यूज करते हो वो है। नॉर्मली कंट्रोल कब माना जाता है, तो ए क्योंकि इंडेक्स सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चलते हैं इसलिए वो डेफिनेशन में ये नहीं बोल सकते कि जब लीगली मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो मैं मान लूं कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। तो ये बोलता है कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा, जब कस्टमर के पास वो गुड्स और सर्विस ऐसी आ जाए कि वो उसे जैसे यूज करना चाहे कर सकता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है। क्या इंडिकेटर्स हैं, ए यू हैव द राइट टू यूज द गुड्स द वे यू वॉन्ट, बी यू हैव द लीगल राइट टू द गुड्स, सी यू हैव द पोजेशन टू द गुड्स, डी यू कैन प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग दीज गुड्स, ई यू कैन लीज आउट और सेल आउट दीज गुड्स। याद रखना ये सब इंडिकेटर है, कोई भी कंक्लूसिव नहीं है। हो सकता है पोजेशन मेरे पास हो पर किराए पे लिया हो तो फिर कंट्रोल मेरा नहीं है, हो सकता है लीगली मेरी राइट आ गई है बट सब्सटेंस में एक्चुअल में फाइनेंस लीज पे दिया हुआ है, लीगल ओनर मैं हूं ऊपर यूज वो कर रहा है तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं। तो ये इंडिकेटर्स देख के आपको डिसाइड करना है क्या एंटिटी पैसे मांग सकती है, क्या कस्टमर को लीगल टाइटल मिल गया है, क्या पोजेशन कस्टमर के पास है, क्या रिस्क और रिवॉर्ड टू ओनरशिप ट्रांसफर हो गए, क्या कस्टमर ने असेट एक्सेप्ट कर लिया है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म में आपको डिसाइड करना है, लीगल ओनरशिप सिर्फ इंडिकेटर है, एबिलिटी टू यूज द वे यू वॉन्ट इज ऑल्सो अ बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रोल। इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के आप देखिए क्या कंट्रोल कस्टमर के पास जा चुका है, अगर जा चुका है तो मान लो कि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया। अब आपको समझ में आया AS9 और IND AS 115 में फर्क क्या है। IND AS 115 बोलता था व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन केस ऑफ गुड्स एंड व्हेन सर्विसेज आर परफॉर्म्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन केस ऑफ सर्विसेज। इंडेक्स 115 बोलता है रिस्क और रिवॉर्ड का ट्रांसफर होना एक इंडिकेटर है कंट्रोल ट्रांसफर होने का, बट ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपने मुझे बोला कि कोई गुड्स बनाओ
और बना के आप अपने पास स्टोर करके रख लेना। मेरी जब इच्छा होगी मैं आके ले जाऊंगा। मैंने बोला यार मैं क्यों स्टोर करूं गुड्स आपके? आपने बोला इसके लिए यू कैन चार्ज मी। और गुड्स की सुरक्षा सेलर तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने बोला ठीक है, मैंने इसलिए प्राइस थोड़ी सी आपसे ज्यादा ले ली। अब AS9 क्या बोलता है, रिस्क और रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होंगे? तो क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने आपके लिए गुड्स बना के रख दिए और अगर नुकसान हुआ कुछ भी तो मेरा लॉस होगा क्योंकि मैंने रिस्क बियर किया है। तो रिस्क और रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होगा? जब मैं गुड्स आपको हैंड ओवर कर दूंगा पोजेशन देने पे। रेवेन्यू तभी बुक होगा। इंडेस बोलता है नहीं, कंट्रोल देखो। मैंने गुड्स आपके लिए बना के अलग निकाल के रख दी और आप डिमांड कर सकते हो, जब इच्छा हो आके ले जा सकते हो। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे पास अभी ये गुड्स आपकी अमानत के रूप में है, हेंस आई हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑन दीज गुड्स। अब मैं इन गुड्स का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मैंने इसे होल्ड करके रखने की जिम्मेदारी ली और इसका इंश्योरेंस आपको करके दिया है, तो प्रैक्टिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में देर आर टू प्रोमिसेस। वन, टू प्रिपेयर एंड गिव द गुड्स टू यू। टू, टू होल्ड द गुड्स ऑन योर बिहाफ। तो वन, आई एम गिविंग यू व्हाट स्टोरेज, और यू कैन से बेसिकली व्हाट कस्टोडियन सर्विस, एंड सेकेंड सेल ऑफ गुड्स। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट है, इंटीग्रेशन नहीं है, एक दूसरे को बहुत अफेक्ट नहीं कर रही, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो ये दो अलग अलग पीओ है। जिस दिन आप गुड्स रेडी करके बना के अलग से निकाल के रख दोगे, आप क्या बोलोगे? आई हैव परफॉर्म्ड वन ऑफ माई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बिकॉज आई हैव ट्रांसफर कंट्रोल। इवन द पोजेशन इज नॉट ट्रांसफर्ड बट यू कैन कम एंड टेक द गुड्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स इवन इफ द रिस्क इज ऑन मी। तो यानी सेल उसी समय बुक हो जाएगी किसकी, जो पोर्शन है जो गुड्स की वैल्यू को बिलोंग करता है। रही बात उसके इंश्योरेंस की, कस्टोडियन सर्विस की, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रहा है। तो सपोज आप गुड्स 10 दिन बाद लेके जाओगे तो मैं 10 दिन के पैसे लूंगा, 30 दिन बाद लेके जाओगे तो 30 दिन के पैसे लूंगा। अगर ऐसा है तो उस एंगल से मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी इन द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम रेवेन्यू बुक कर सकते। तो आपको समझ में आया, रिस्क और रिवॉर्ड जो अल्टीमेट बेसिस होता था AS दायित्व पे, यहाँ पे वो बेसिस शिफ्ट करके किस पे कर दिया है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ओवर द असेट। इसलिए ये दोनों इंडेस उस एंगल से डिफरेंट है। मेजॉरिटी केसेस में रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा तो कंट्रोल भी ट्रांसफर होगा, बट नॉट इन ऑल केसेस। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया गुड्स और सर्विसेज का, तब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। कितना रिकॉर्ड कर लो? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई होने वाला है तो पूरा कर लो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई होने वाला है तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट बुक करना पड़ेगा। अब कब माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हुआ है? तो ये पैरा 35 ऑफ इंडियस 115 में दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैरा नंबर, आपको याद रखना चाहिए। आप कब मानेंगे ओवर अ पीरियड सेटिस्फाई हुआ है? इंडियस बोलता है तीन चीजों से आप डिसाइड करोगे कि क्या आपका परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। क्या क्या? पहला, जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते जा रहे हो वैसे वैसे कंज्यूमर उसके बेनिफिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मैं आपको 12 मैगजीन भेजूंगा, एक जैसी गुड्स और सर्विस है तो एक पीओ हुआ, एक मैगजीन आपके पास गई तो इसका मतलब आपने उसको पढ़ लिया तो आपको उसका बेनिफिट मिल गया। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या हुआ कि एवरी मैगजीन सप्लाई इज लीडिंग टू अ प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ओवर द असेट। और आई कैन सिंपली से यू आर एज अ कस्टमर एंजॉइंग एवरी प्रॉमिस परफॉर्म्ड। हेंस हर मैगजीन जो मैंने आपको सप्लाई करी है उसके लिए आप बेनिफिट रिसीव कर चुके हो, मैं सर्विस परफॉर्म कर चुका हूँ, मैं उत्ता प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ। ठीक बात है, होता है ना ऐसा, कोई मैगजीन वगैरह आप सप्लाई करते हैं, भैया आपने क्या किया है, कोई मैगजीन सब्सक्राइब कर ली, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, टैक्स टुडे, इस तरह की, सर क्या पढ़ाई की बात कर रहे हो, दूसरी कर ली आपने, तो यू हैव टेकन एनी अदर मैगजीन, होता है आपने सब्सक्रिप्शन लगा दियो भाई, क्रिकेट जगत, स्पोर्ट्स स्टार, मेरी सहेली, मेरी पड़ोसन, डिपेंडिंग ऑन द एज यू विल सब्सक्राइब टू द टाइटल। तो आप क्या करोगे, आप कस्टमर हो, सप्लायर कौन है, जो पब्लिशर है, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पीओ, 12 परफॉर्मेंस, ये 12 के 12 परफॉर्मेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम वाली कैटेगरी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर बेनिफिट कंज्यूम करते जा रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा तरीका देखने का, सपोज मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आपके लिए घर बना रहा हूँ, पर आप घर में रहने नहीं आ सकते जब तक पूरा नहीं बनेगा, तो इस केस में आप कंज्यूम तो नहीं कर पा रहे हो मेरी सर्विस जैसे जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। बट सेकेंड कंडीशन क्या कहती है,
सेलर के काम करने से कस्टमर के असेट्स में इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक प्रूफ है कि ये सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्म हो रही है। तब आप देखिए, परफॉर्मेंस एनहांसेस द एसेट दैट कस्टमर कंट्रोल। सही मायने में घर आपका बन रहा है, वो आपके कंट्रोल में, भले आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, पर आपका घर बड़ा होते जा रहा है, बनते जा रहा है, इसका मतलब आपका कंट्रोल उस एसेट पर है और वो एसेट एनहांस होती जा रही है। ये प्रूव करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। एंड थर्ड, सेलर अपनी जो सर्विसेज परफॉर्म करता है उससे सेलर की कोई असेट नहीं बनती है, पर सेलर के पास राइट आती है पैसे रिसीव करने की। परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट असेट फॉर एंटिटी बट जनरेट्स राइट टू रिसीव पेमेंट। इसका मतलब समझना, जब बीएमडब्ल्यू से मैंने बाइक खरीदने की बात करी, तो जब बीएमडब्ल्यू बाइक बना रहा था तो समझना सेलर बीएमडब्ल्यू के लिए ही असेट बन रहा था। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। जब मैंने टीसीएस को बोला मेरे लिए एक वेबसाइट बना के दो, तो जो वेबसाइट वो बना रहा था वो वेबसाइट टीसीएस के लिए असेट नहीं थी। इनफैक्ट जैसे जैसे वेबसाइट बनती जा रही थी उसका राइट बनते जा रहा था पेमेंट मांगने का। इसके लिए ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लो, मेजोरिटी क्वेश्चन इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो इसीलिए ये वाले रूल को देखने का मैंने आपको तरीका बनाया। क्या आप 2 मिनट के लिए ऐसा सोचो कि अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट आज कैंसिल कर देता है, सेलर की कोई गलती नहीं है पर कर दिया, तो क्या कस्टमर जितना काम किया है, सॉरी, क्या सेलर जितना काम हुआ है उतने पैसे मांग सकता है? अगर मांग सकता है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया प्रैक्टिकली? आई होप दिस गिव्स यू एन आइडिया दैट सपोज फॉर एग्जाम्पल आईपीएल में हमें खरीदा गया है, तो आपने क्या किया है? से फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑल्सो प्लेइंग आईपीएल, और आपको क्या किया गया है? यू बीन एक्वायर्ड फॉर 1 आईपीएल टूर्नामेंट, और आपके लिए से 3 करोड़ का कंसिडरेशन दिया गया। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे? आप, ठीक है? तो यू आर द सर्विस प्रोवाइडर। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, सपोज समझिए फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ रुपए देकर हमने क्या किया? वी हैव परचेज द प्लेयर, धोनी साहब को हमने खरीदा एक सीरीज के लिए। अब आप समझिए धोनी साहब को क्या करना है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसका कॉन्ट्रैक्ट है? जिसमें उसको पूरा आईपीएल खेलना है। क्या आईपीएल में मैं बोल सकता हूँ क्या हर मैच अपने आप में सेम गुड्स और सर्विसेज जैसा है? हाँ। तो ये पूरा एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया। अब इसमें धोनी साहब के अकाउंटेंट को रेवेन्यू बुक करना है क्योंकि सप्लायर ऑफ सर्विस वो है। क्या ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है? तो आपको ये सोचना है कि धोनी साहब जैसे जैसे क्या करते जा रहे हैं, मैच खेलते जा रहे हैं, क्या उनका राइड बनते जा रहा है क्या प्रोपोर्शनेट पैसे मांगने का? या यू कह लो कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल धोनी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया या कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, तो 2 मिनट के लिए आप सोचिए क्या जितने मैचेस खेले उसके अनुसार प्रोपोर्शनेट पैसा मांगा जा सकता है क्या? इफ द आंसर टू दिस इज येस, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ पीरियड सेटिस्फाई हो रहा है, हेंस जैसे जैसे मैच खेलते जा रहे हैं उनका अकाउंटेंट उसका रेवेन्यू बुक करते जा सकता है। आया सबको समझ में? ये फंडामेंटल लॉजिक है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा दोस्तों दोनों की अकाउंटिंग में। क्या फर्क होगा सुनना ध्यान से। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की अकाउंटिंग क्या होती है? जब असेट का कंट्रोल ट्रांसफर होगा तब रेवेन्यू बुक होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की अकाउंटिंग क्या होती है? जैसे जैसे काम होते जाता है वैसे वैसे रेवेन्यू बुक होते जाएगा। आगे इसी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का डिस्कशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसी के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में आप समझिए बीएमडब्ल्यू आपको क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है कि यार मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बाइक बना के दूंगा धूम 4 वाली। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप बताओ वो जो काम कर रहा है उसमें जैसे जैसे गाड़ी बनती जा रही है क्या कस्टमर की एसेट बन रही है या बीएमडब्ल्यू की सेलर की? तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। तो क्या होगा समझना, बीएमडब्ल्यू इनकम कब बुक करेगा? जब वो आपको बाइक ट्रांसफर कर देगा। तब तक उसके जो भी खर्चे लग रहे हैं वो खर्चे वो क्या दिखाएगा अपनी बुक्स में? उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट असेट। यानी वो बुक्स में उसकी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी किसी भी तरह से अकाउंट फॉर होगी। इंडेस कहता है कि अगर उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग किसी इंडेस में दिए, जैसे वो इंडेस 2 में WIP हो सकता है, तो आप उसे असेट मान लो और वैसे अकाउंट कर लो। नहीं होता है तो फिर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट असेट के नाम से शो कर सकते हो। कितने पे? कॉस्ट पे। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में जब तक कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा तब तक खर्चा भी बुक नहीं होगा, क्योंकि जो जो खर्चा हो रहा है वो सब असेट में जा रहा है, भले ही वो असेट इन्वेंटरी है।
और जब ट्रांसफर होगा तो पूरा खर्चा बुक होगा और पूरा रेवेन्यू एक साथ, पूरा प्रॉफिट। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई होते हैं, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली ऑर्डर दे के क्रेन बनवाई है, आप मेरे बिहाफ पे बना रहे हो, आपका राइट है प्रपोर्शनेट पैसा मांगने का। तो आप आइडियली क्या करोगे, जितना काम आपका होते जा रहा है उतना रेवेन्यू बुक करते जाओ और उसके लिए जो कॉस्ट इनकर की है उसको एक्सपेंस बुक करते जाओ। आप अपनी बुक्स में WIP नहीं दिखा पाओगे। क्यों नहीं दिखा पाओगे? क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप वो असेट खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए बना रहे हो, वो किसी और की असेट है, वो आपकी असेट ही नहीं है, जैसा नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो एक बिल्डर जब एक सॉरी कॉन्ट्रैक्टर जब एक असेट बनाता है तो वो क्या करता था, AS7 में भी यही होता था, सारा खर्चा पीओएल में डेबिट करता था और जितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया उतनी इनकम बुक कर लेता था। लेकिन सपोज आप एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार नहीं हो, जिसका काम है किसी और के बिहाफ पे उसकी बिल्डिंग बना के उसके बदले में अपनी मजदूरी लेना, पर आप एक बिल्डर हो और आपने बोला मैं पूरी बिल्डिंग बनाऊंगा उसके बाद ही बेचूंगा, तो जब आप बिल्डिंग बना रहे हो दोस्तों तो आप क्या करोगे, उस पूरे को आप अपनी बुक्स में असेट दिखाओगे और खर्चा कुछ भी बुक नहीं करोगे। और आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब पूरी होगी, जब आप एक फ्लैट बेच के पोजीशन दोगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पूरा रेवेन्यू और उसके प्रोपोर्शनेट आपकी असेट को खर्चा बुक कर दोगे। यानी पूरी अकाउंटिंग आपकी इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड बुक योर कॉस्ट, और यू विल बुक एन असेट इन द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट असेट और एनी अदर इंड स्पेसिफाइज दैट असेट, एंड देन व्हेन यू ट्रांसफर कंट्रोल यू विल एक्सपेंस इट आउट एंड देन यू विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। दिस इज द वे यू हैव टू अकाउंट फॉर थिंग्स। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ पीओ का। और अब आखिरी चीज जो इसमें बचती है स्टेप टू में, वो ये है कि आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो मेजर कैसे करोगे कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया। और ये मेजरमेंट करने के लिए कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया है, आइडियली व्हाट इज दैट विच यू हैव टू डू। तो कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है आप कैसे निकालते थे AS7 में? तो सर वहां तो बहुत सिंपल होता था, हम देखते थे कितनी कॉस्ट इनकर हो गई है और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेते थे और उससे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड निकाल लेते थे। इसका मतलब वहां पे आप परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड कैसे कैलकुलेट करते थे, यू यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय वॉट, कीपिंग इन माइंड कितना खर्चा हुआ है और टोटल कितना होना है। इसे बोलते हैं इनपुट बेस्ड मेथड, मैंने क्या लगाया है। और एक होता है आउटपुट बेस्ड मेथड, जिसमें हम ये नहीं देखते हमने कितने एफर्ट डाले, हम ये देखते हैं कि कितना पूरा हो गया। तो आप समझिए, सपोज आपका सरकार ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है 100 किलोमीटर रोड बनाने का, 50 किलोमीटर रोड बन गई। आप एक तरीका है बोल सकते हो 50% वर्क कंप्लीटेड उतना रेवेन्यू बुक कर लो, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर शुरू के 50 किलोमीटर एकदम स्ट्रेट थे और आखिरी के 50 किलोमीटर आपको पहाड़ों के बीच से चट्टानों को काटते हुए, चट्टानों को चीरती हुई आपको सड़क बना के बाहर निकालना है, और ये सड़क बनाते समय आपको कहीं चट्टानों को काटना है तो कहीं सुरंग बनाना है, और आपको इस तरह की पूरी मेहनत करना है। इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखा जाए तो 50 किलोमीटर रोड जो आपने बना ली है उससे ये कहना कि 50% वर्क कंप्लीट हो गया है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, बिकॉज फर्स्ट 50 किलोमीटर वर इजी, द नेक्स्ट 50 किलोमीटर आर डिफिकल्ट। ये ऐसा हो गया कि कोई बीकॉम कर आया और इंटर पास कर लिया और बोला सीए आधा हो गया, तो उसको मालूम ही नहीं अभी एक तो अटेम्प्ट दे। तो ऐसे केस में इनपुट बेस्ड मेथड ज़्यादा बेहतर होंगे। तो आपके पास मेजरमेंट करने के लिए दो मेजर मेथड्स अवेलेबल होते हैं, वन इज इनपुट बेस्ड, वन इज आउटपुट बेस्ड। इनपुट बेस्ड मेथड में आप देखते हो आपने कितना एफर्ट डाला है और टोटल कितना डालना है, इससे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड निकाल लो। मैं प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, वो सब अपन रेगुलर बैच में करते हैं साथ साथ में, अभी मैं आपको सिर्फ पूरे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकल आपके इससे सॉल्व हो पाए। लेकिन आउटपुट बेस में हम सिंपली क्या करते हैं, कितना आउटपुट निकल के आ चुका है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे अपना रेवेन्यू। तो इनपुट बेस्ड मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, आउटपुट बेस्ड मेथड क्या हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एनीथिंग, नंबर ऑफ आवर्स आपने की दिए, कॉस्ट कितनी लगी है आपकी, मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया, ये सब। बस इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इनपुट बेस्ड मेथड यूज़ करोगे तो आप इनपुट में सिर्फ उसे काउंट करोगे जिस पे आपने काम किया है। जैसे समझना, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे एक ब्रिज बनाना है। अब ब्रिज बनाने के लिए मेरे को लगा है कि टोटल 1000 लाख का खर्चा है, जिसमें 300 लाख का तो मटेरियल लगेगा और ये समझ लीजिए इसके अलावा 500 लाख की लेबर है और 200 दूसरे खर्चे। अब मुझे एक बात बताओ, आप 300 लाख का मटेरियल खरीद के ले आए और साइड पे रख दिया,
क्या मैं बोल सकता हूँ 30% वर्क कंप्लीट हो गया, 300 आउट ऑफ 1000 नहीं। इसे आप AS7 में वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से बुक्स में असेट दिखाते थे, यहाँ पर भी आप इसे असेट दिखाओगे और आप ये खर्चा बुक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसे इनपुट अप्लाइड इन प्रोग्रेस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो बस ये ध्यान रखना, इनपुट मेथड में जिन चीज़ों पे काम हुआ है सिर्फ उसी को आप कॉस्ट इनपुट इनकर्ड में काउंट करोगे। तो टोटल कॉस्ट आपकी 1000 रहेगी। आपने माल अभी 300 खरीदा है पर उसमें यूज 100 ही किया है और उस पर 100 की लेबल लगी है, तो आप मानो टोटल 200 रुपये की कॉस्ट लगी है। इस तरह से आपको इनपुट बेस्ड मेथड यूज करना है। आउटपुट बेस्ड मेथड तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या होगा, आउटपुट डिफाइंड होगा, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं सोचूं टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी और अभी इस साल में कितनी लग गई है, इस साल मान लो उतना परसेंटेज वर्क पूरा हो गया, उतना रेवेन्यू और उतने खर्चे बुक। दूसरा तरीका, एक फ्लोर बन गया है, 4 बाकी है, तो आप मान लो 1/5 काम हो गया, 4/5 बाकी, उतना रेवेन्यू बुक कर दो, एक्चुअल कॉस्ट खर्चा बुक कर दो। आपको लगता है 5वां फ्लोर बनाने में एफर्ट एक जैसा लगने वाला है, तो उस केस में ये मेथड आउटपुट बेस्ड बेहतर है। आपको लगता है ग्राउंड फ्लोर बनाने में ही सबसे ज़्यादा खर्चा और टाइम लगता है, बाकी तो इजीली बन जाते हैं, तो फिर इनपुट बेस्ड मेथड बेहतर है, क्योंकि आउटपुट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म। तो इस बेसिस पे आप कोई भी एक मेथड यूज कर लीजिए, एंड देन बेस्ड ऑन द मेथड वॉच एवर यू हैव यूज, यू शुड यूज द कंसिस्टेंट सेम मेथड ओवर द पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन, एंड यू हैव टू डिसाइड दैट एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप उससे रेवेन्यू बुक करते जाओ जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है। इस पूरे डिस्कशन में सिर्फ एक जगह आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आपको लगता है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड यानी कि सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में कितना काम हुआ है कंप्लीट, ये निकालना प्रैक्टिकली हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये नॉर्मली कब होगा दोस्तों, जब आपको टोटल कॉस्ट का एस्टिमेट लगाने में दिक्कत आ रही है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम मिला है जिसमें मुझे आई हैव टू ले अंडरलाइन पाइपलाइन। तो मुझे क्या करना है, आई बीन आस्क्ड टू ले पाइपलाइन विच विल कनेक्ट इंडिया फ्रॉम और विथ थाईलैंड बैंकॉक। तभी ऐसा है कि वहाँ से कुछ थाईलैंड में यू नो लॉट ऑफ टूरिस्ट कम इन, और इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ जाना पसंद भी करते हैं, इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, आई रियली डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। और इस कारण से वहाँ पे लोग जाते हैं, तो भारत सरकार ने बोला यार हमारा इतना सारा फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रहा है, लोग वहाँ क्यों जाते हैं। तो कईयों ने बताया भाई वहाँ पे बहुत सारी बढ़िया चीज़ें, अच्छे खासे शोज होते हैं, सारी चीज़ें। तो सरकार ने बोला चलो अपन एक क्या करते हैं, इंटरनेट की ब्रॉडबैंड लाइन डाल देते। तो हम क्या करते हैं, एक फाइबर लाइन यहाँ से डाल देते हैं, वहाँ से सीधे यहाँ की, जो डायरेक्टली वहाँ से क्या करेगी, शोज यहाँ टेलीकास्ट करेगी, तो लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, अपना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आउटफ्लो बचेगा। तो सरकार ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, L&T कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भैया आपको ऐसी एक लाइन ले करना है। अब आज L&T कंपनी को प्रैक्टिकली पता ही नहीं है कि ये लाइन पूरी सी बेड से होते हुए जाएगी। अब हमें आज समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें टोटल कितना खर्चा लगेगा। ये टोटल डिस्टेंस से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, द टोटल डिस्टेंस कम टू से 5000 माइल्स। नाउ आई रियली डोंट नो कि क्या 1000 माइल पूरी हो गई तो 1/5 काम हो गया क्या, क्योंकि हमें नहीं मालूम आगे कैसी सुरंगें, क्या दिक्कतें, किस तरह के प्रॉब्लम समस्याओं में हम फंसेंगे। तो ऐसे केस में जब तक आप रिलायबली मेजर ना कर पाओ आपकी टोटल कॉस्ट या परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, तब तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस मेथड पे जाना। इसे बोलते हैं यू शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ योर कॉस्ट। तो ऐसे में क्योंकि आपको मालूम नहीं है यार एग्जैक्टली कितना काम हुआ है, तो आप एक काम करो, जितना खर्चा हुआ है उतना इनकम बुक कर लो ताकि लॉस एटलीस्ट ना आए। ऑब्वियस सी बात है, सपोज आपकी पाइपलाइन 4000 माइल्स की ले हो चुकी है, तो आप बोल सकते हो अब दिक्कत नहीं 80% काम हो गया है, तो तब से फिर आप रेवेन्यू 80% के हिसाब से पूरा बुक कर लेना, कॉस्ट आपकी बुक हो चुकी है, तब से आपके प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएंगे। लॉजिकल मेथड है, कंजर्वेटिज्म को सेटिस्फाई भी करता है। जब तक श्योर नहीं है कितना काम हुआ है तब तक प्रॉफिट बुक मत करो, जब श्योर हो जाओ तो बुक करना शुरू कर देना। एक लॉजिक ये हो सकता था खर्चा बुक करते जाओ और रेवेन्यू बुक ही मत करो, वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि भाई पैसा तो आपको मिलने वाला है ना, उसमें तो डाउट नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन और डाली गई है कि नो प्रॉफिट नो लॉस मेथड तभी यूज करना जब ए यू कैन नॉट रिलायबली मेजर द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, दैट मीन्स हाउ मच परफॉर्मेंस हैज बीन सेटिस्फाइड, एंड बी देर इज नो रिस्क ऑन रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, दैट मीन्स यू आर श्योर कि जब काम पूरा हो जाएगा जो कि आपको लगता है आप कर तो दोगे, तब आपको जो पैसा बनता है वो सरकार से मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था दोस्तों, स्टेप 2 विच बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट, विच प्राइमरली टॉक्स अबाउट
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो स्टेप टू में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, देखो कितनी प्रॉमिसेस हैं, क्या ये सारी प्रॉमिस एक जैसी गुड्स और सर्विस या एक ही सीरीज को बिलोंग करती है, सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर है, तो इन पूरों को एक प्रॉमिस मान लो। और देखो ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी सेटिस्फाई, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ पॉइंट है, तो जब कंट्रोल ट्रांसफर हुआ असेट का तब पूरा रेवेन्यू बुक कर लो, तब तक अपनी बुक्स में इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को असेट दिखाते जाना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है तो जैसे जैसे खर्चा होते जा रहा है उसको खर्चा बुक करो और उससे मेजर करो कितना वर्क कंप्लीट हो गया इनपुट आउटपुट बेस मेथड से, और रेवेन्यू बुक करते जाओ। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो पहले आप देखिए कि एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो सारे पीओ अलग अलग कर दो, फिर सारी पीओ पे इंडिविजुअली वही रूल लगाओ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और रेवेन्यू बुक करो। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको ये डालना पड़ेगा कि आपकी जो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको आपको इंडिविजुअल पीओ में अलोकेट करना पड़ेगा, जो स्टेप फोर आपको सिखाएगा, क्योंकि स्टेप थ्री में अब आपको टोटल प्राइस निकालना होगा। और ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टेप थ्री बोलता है कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने की बात करेंगे तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस, इट इज द कंसिडरेशन विच इज पेड बाय द कस्टमर टू द सेलर फॉर द प्रॉमिसेस विच आर परफॉर्म्ड बाय द सेलर। तो व्हाट इट सेज, इट इज कंसिडरेशन पेबल बाय द कस्टमर टू द एंटिटी। पूरे इंडेक्स में सेलर को क्या नाउन यूज किया, एंटिटी, क्योंकि वही ये इंडेक्स पढ़ रही है, अगेंस्ट द प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी बात है कि आपको इसमें वही चीज़ को ट्रांजैक्शन प्राइस में शामिल करना है जो आपको लगता है आप रिसीव कर लोगे, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में पहली कंडीशन पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब रियलाइजेशन सर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई पैसा आपको थर्ड पार्टी के बिहाफ पे मिल रहा है जैसे कि टैक्सेस GST, तो फिर वो आपका रेवेन्यू कभी भी नहीं हो सकता बिकॉज यू हैव कलेक्टेड इट ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। अब इसका मतलब समझना, आपने फास्ट की वेबसाइट पर आप गए www.elearn.fast.edu.in और वहां से आपने एक वीडियो लेक्चर परचेस किया, उसके लिए आपने 10,000 का पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके, यानी क्रेडिट कार्ड से। ये 10,000 रुपए में से मेरे पास से फॉर एग्जाम्पल 9,800 रुपए आए, क्योंकि 200 रुपए जो एजेंसी है जो पेमेंट गेटवे उसने चार्ज कर लिया। तो आप बताओ मेरा रेवेन्यू कितना है, 9,800 या 10,000? तो मैं ये नहीं बोल सकता मैंने आपसे 10,000 जो कलेक्ट किए वो 200 रुपये पेमेंट गेटवे के बिहाफ पे कलेक्ट किए। रादर मैं क्या बोलूँगा, मैंने तो आपसे 10,000 कलेक्ट किया और ऑब्वियस सी बात है अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, जैसे पेमेंट गेटवे का हो सकता है, कोई सेलर का कमीशन हो सकता है, कुरियर के चार्जेस हो, पर पैसा मैंने आपसे इनके बिहाफ पे कलेक्ट नहीं किया है, मैंने आपसे पैसा किसके बिहाफ पे कलेक्ट किया है, मेरे बिहाफ पे। हाँ, अगर सपोज मैं आपको ये कह देता कि भाई आप 10,000 रुपीज़ में प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं जिसमें ये प्रोडक्ट हम आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन रास्ते में कुछ नुकसान हुआ तो ये हमारा नहीं होगा, आप चाहो तो इंश्योरेंस ले सकते हो और इंश्योरेंस वहाँ पर नीचे एडेड है, और ये इंश्योरेंस का जो पैसा है ये मैं आपसे कलेक्ट अपने बिहाफ पे नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी से मेरा टाई अप है, आप पैसे देते हो, ये पैसे मेरे से सीधे एज इट इज़ उनके पास चले जाते हैं, मेरा इसमें कोई कट कोई कमीशन नहीं है। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो पैसा मैं उन थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा हूँ ये उसका रेवेन्यू है, ये मेरा नहीं। लेकिन अगर पैसा मैं आपसे लेके इंश्योरेंस कंपनी से लमसम डील करता हूँ एट अ प्राइस, देन ऑब्वियसली आई एम कलेक्टिंग ऑन माय बिहाफ एंड देन आई एम सेपरेटली डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, तो फिर ये रिइंबर्समेंट के नेचर का नहीं होगा, ये रेवेन्यू में शामिल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, इट इज कंसिडरेशन पेबल बाय द कस्टमर टू द सेलर, दैट इज टू द एंटिटी, अगेंस्ट द प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इट शुड एक्सक्लूड एनी मनी विच इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, हाउएवर इट शुड ऑल्सो बी सर्टेन दैट देयर इज अ रियलाइजेशन सर्टेनिटी दैट द बॉडी वुड बी रिसीव्ड। अब आप एक चीज समझना, प्राइस निकालने में कोई दिक्कत होगी क्या? ये तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ईजिली अवेलेबल होगी। प्रॉब्लम बेसिकली कब आएगी, जब प्राइस में कोई कंटिंजेंट कंसिडरेशन हो, वेरिएबल कंसिडरेशन। ऐसा हो सकता है क्या? यस, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, इंसेंटिव पेनल्टी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या हो सकते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन, देखें मैंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि आपको ये घर बनाना है, 3 साल में बना दिया तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। क्या 10% पैसा उसको मिलना ही मिलना है, तय है क्या? नहीं, पर मिल सकता है क्या? हाँ। तो ये क्या है? वेरिएबल कंसिडरेशन। अब AS7 में वेरिएबल कंसिडरेशन का क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे। इंसेंटिव अगर होता था तो अपन कुछ नहीं करते थे, अपन बोलते थे कि जब सर्टन हो जाए कि ये मिलना है तब इनकम बुक कर लेना, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म हो जाए टाइम में तब आप इनकम एक साथ लमसम बुक कर लेना।
अब इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मैनिपुलेशन की। क्या? मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि यार घर कितने बनाओगे, उसने बोला 50 लाख। तो मैंने बोला कितना समय लगेगा, उसने बोला कि यार 5 साल लग जाएंगे। सर एंटीला बनवा रहे हो क्या समझो, और मैं हर साल इक्वली काम करूंगा तो 10-10 लाख इनकम बुक होने की गुंजाइश। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर 10 लाख की इनकम बुक करेगा, उसकी टैक्सेबल इनकम भी उतने से ही बनेगी। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, यार एक काम कर सकते हो क्या सर, प्राइस आप 50 की बजाय क्या कर दो, 30 लाख कर दो, और बोल दो 20 लाख रुपये मैं तब दूंगा जब 5 साल में घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, मेरे को क्या दिक्कत है, 50 देना है। उसने बोला मैं कॉन्फिडेंट हूँ 5 साल में मैं बना दूंगा। मुझे फ़ायदा सिर्फ क्या होगा, AS 7 के अनुसार इंसेंटिव कब बुक होते थे, जब कॉन्ट्रैक्ट सब्सटैंशली कंप्लीट होता था। तो क्या होगा, मैं 30 लाख को ही 5 साल में इनकम बुक करूंगा, और 5 साल पूरे होने पे 20 लाख लमसम इनकम बुक होगी, तो मेरी थोड़ी सी इनकम बुकिंग डेफर हो जाएगी, तो मुझे टैक्स बाद में देना पड़ेगा। मैंने बोला मान गए यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंडेस बोलता है बॉस जमाने पुराने हो गए वो सब, अब ये सब नहीं चलेगा। इंडेस बोलता है कोई भी वेरिएबल कंसिडरेशन है, और अगर वो रीजनेबली सर्टन है कि आपको मिलने वाला है, तो फिर आप उसको ट्रांजैक्शन प्राइस में अभी से शामिल कर दो। सवाल ही उठेगा कि आप कितना शामिल करोगे, तो इसके दो लॉजिक है। अगर आपको लगता है आउटकम दो ही हैं, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम है उतना पूरा प्राइस में शामिल कर दो, यानी या तो 20 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और आपको लगता है 20 लाख मिलना तय है, तो आप पहले ही दिन मान लो कि आपकी प्राइस ही कितनी है, 50 लाख। ऑब्वियसली बात है, बाद में एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट सपोज ऐसा है कि जिसमें वेरिएबल है, दैट मीन्स उसमें कहा गया है कि 5 साल बाद हम आपको क्या करेंगे, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 30 लाख का है, और मैंने कहा है कि 5 साल में पूरा घर अगर आपने बना लिया टाइम के अंदर, तो मैं आपको क्या करूंगा, 20 लाख रुपए पे करूंगा। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका काम 3 साल के अंदर अंदर 50% से ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आपका इंसेंटिव 10 लाख ही होगा, और अगर आपने पोजेशन देने में कुछ डीले कर दिया, तो आपका इंसेंटिव 5 ही होगा, यानी मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज। तो फिर इंडेस बोलता है ये है कि दो से ज़्यादा आउटकम है, तो फिर आप मोस्ट प्रोबेबल आउटकम पूरा लेने की बजाय क्या करिए, आप प्रोबेबिलिटी वेस्ड या वेटेड एवरेज निकाल के उसको रेवेन्यू में शामिल कर दीजिए। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या सोचेगा, पूरे 20 लाख रुपए इंसेंटिव मिलने के चांस कितने हैं, लेट्स से 60%, 10 लाख मिलने के 20%, 5 लाख मिलने के 10%, 0 मिलने के 10%। मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी बेस्ड वैल्यू निकालो, उसको ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड कर दो। हर साल आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस चेंज होती जाएगी, और उधर आपका परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड चेंज होता जाएगा। उससे आप क्यूमुलेटिव रेवेन्यू बुक करते जाना, पिछले साल तक जो बुक हो और अभी तक जो बुक होना है, डिफरेंस फॉर द ईयर की इनकम हो जाएगी। इट इज़ अ चेंज इन एस्टिमेट, इसलिए प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर होते रहेगा। अगर आपको डे वन पे लगता है कि यार इंसेंटिव या तो 20 मिलेगा या नहीं मिलेगा, और चांसेस अपने को कम लग रहे हैं मिलने के, रियलाइजेबिलिटी सॉरी वी आर नॉट रीजनेबली सर्टन वी लर्न इट, तो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम है नहीं मिलने वाला है, तो आप रेवेन्यू 30 लाख मान के अकाउंटिंग करो। 2 साल बाद आपको लगता है यार कमा लोगे, तो आप रेवेन्यू 50 लाख मान के अकाउंटिंग करो। यहाँ पे कुछ नहीं है, चेंज इन एस्टिमेट का रेवेन्यू उस साल से बुक होना शुरू हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो वेरिएबल कंसिडरेशन इस लॉजिक से आपको अकाउंट फॉर करना है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इंसेंटिव्स, पेनल्टीज, एस्केलेशन क्लॉजेज, ऐसी कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन में बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें कई सारे कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या मतलब, कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल कंसिडरेशन आप कंसिडर तभी करोगे जब आप रीजनेबली सर्टन हो। कब मानना है रीजनेबली सर्टन है, जब ए आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो मिलने कि आपको मिल जाता है, बी आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा वाइड प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा अनसर्टन नहीं है। क्योंकि ये सब है, तो फिर बेहतर है कि आप उसे कंसिडर मत करो। जैसे समझिए, हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हुई, और हम एग्ज़ाम ख़त्म करके से वही 15 जून को पहुंच गए एक मिठाई की दुकान पे, और मिठाई की दुकान पे गए हमने, और जोधपुर स्वीट्स, जोधपुर से हैं, बड़ी फेमस स्वीट है वहाँ, गुलाब जामुन बड़े पसंद है हमको। पहले तो स्टूडेंट्स लेके भी आया करते थे, बहुत खाए हमने। अब हमारे इंदौर में ही जोधपुर स्वीट्स खुल गया, पर बाद में मालूम पड़ा ये वहाँ वाला नहीं है। तो हालांकि जोधपुर में आई थिंक वो चार भुजा, चतुर्भुजा, उसके बड़े फेमस है गुलाब जामुन, उसके खाए हमने। तो जोधपुर स्वीट्स के पास हम गए, और हमने बोला खम्मा घनी, घनी खम्मा हुआ, और हमने बोला कि
कि हमें गुलाब जामुन चाहिए। उसने बोला कितने, हमने बोला 50 किलो। उसने बोला है, हमने बोला हाँ, और एक गुलाब जामुन 1 किलो का। उसने बोला क्या बात कर रहे हो, कोई स्पेशल इवेंट है क्या, खास बात क्या है? हमने बोला हमारा रिजल्ट आने वाला है और इसलिए हम ये ऑर्डर अभी से दे रहे हैं। उन्होंने बोला चाहिए कब? हमने बोला अगस्त में। बोला रिजल्ट तब आने वाला, ऑर्डर अभी दे रहे हो? हमने बोला यार हम अभी से बुक कर देना चाहते हैं, बाद में कभी भूल जाए। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे, थोड़ा सा टिपिकल है। अच्छा हुआ बता दिया, हम बना के रखेंगे और जब बताना है आप अगस्त में डेट बता दीजिएगा, वहाँ डिलीवरी करवा देंगे। हमने बोला ठीक है। उसने बोला यार हमने पहली बार ऐसा स्टूडेंट देखा है, बहुत खुशी हुई हमको जान के, क्या कॉन्फिडेंस आपका, एग्ज़ाम दे के आया और रिजल्ट से पहले ही आप ऑर्डर दे रहे, बहुत बढ़िया लगा। ऐसे काहे की एग्ज़ाम दी? हमने बोला सीए फाइनल की। उसने बोला 100% एडवांस। हमने बोला ये क्या हुआ? उसने बोला भैया 100% एडवांस, उसके बिना काम नहीं होगा, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, लेना ही पड़ेगा। हम बोले यार कॉन्फिडेंस है हमें अपने आप पर। उसने बोला हमें नहीं है, इनफैक्ट हमें आप पे कॉन्फिडेंस है, उससे ज्यादा हमें आईसीआई पे कॉन्फिडेंस है। हम बोला सीए फाइनल तक? उसने बोला छोड़ो यार, आईपीसीसी में ही 6 अटेम्प्ट बाहर। तो हमने क्या किया, हमने बोला यार एडवांस देना पड़ेगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दे देते दे। हमने बोला रेट क्या होगा? तो उसने कहा भाई 1 किलो गुलाब जामुन आपको चाहिए तो 1 गुलाब जामुन समझ लीजिए आपका कि 500 रुपये का पड़ेगा, तो 50 किलो के आपके हो गए 25,000 रुपये। 25,000 रुपये आप दे दो। यार ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसने बोला यार कॉन्फिडेंट हो आप पास होने वाले हो तो खुशी होगी आपको बांटने में। हमने बोला चल एक काम कर, 20,000 रुपये रख ले, 20,000 में दे देना, और अगर पास हो गए तो 5,000 रुपये और दे देंगे। उसने बोला डन। ये हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अब आप समझिए क्या होगा। सबसे पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्ट में एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सप्लाई करने का, सिंगल है 50 किलो मिठाई सप्लाई करने का। दूसरा, क्या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, भले ही वो 20,000 रुपये जो उसने हमसे एडवांस रखवाए हैं या 2,000 या 10 जो भी रखवाए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो उतने फॉरफीट कर लेगा, पर क्या जितना काम उसने किया है उसके प्रपोर्शन में वो फॉरफीट कर पाएगा क्या? नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने बीच में अगर कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट तो बोलेगा यार 10 गुलाब जामुन बन गए तो 10 के पैसे काट के बाकी ले लो, तो पूरे ही जाएंगे। यानी कि पैसा जो कटेगा वो इन प्रोपोर्शन में नहीं, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंगल पीओ है 50 किलो सप्लाई करने का, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब क्या होगा, जोधपुर स्वीट जो खर्चा करेगी इसको बनाने को उसको बुक्स में WIP असेट की तरफ पे दिखाएगी, और जब इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा यानी जब वो हमें डिलीवर कर देगा और हम देख के उसकी क्वालिटी देख के उसको अप्रूव कर देंगे, उस समय बांध लिया जाएगा देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ओवर द एसेट, और वो पूरी की पूरी सेल्स बुक कर लेगा। अब इसमें सवाल यह है कि जब उसे सेल्स बुक करने की बारी आएगी तो वो सेल्स कितनी बुक करेगा, 20,000 या 25,000? अब सपोज डिलीवरी डेट हमने एग्जाम के रिजल्ट से 1 दिन पहले रखी है तो उसे सेल्स कितनी बुक करना चाहिए, 20 या 25? तो ऑब्वियस सी बात है 20 तो कन्फर्म है, 5 वेरिएबल है। वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सीए फाइनल के रिजल्ट पे। ये जो आउटकम है ये हाईली अनसर्टन है, बेहतर होगा कि वो क्या माने, वो ये माने कि ये वेरिएबल कंसिडरेशन में कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो अभी कंसिडर ना करें। बेहतर होगा कि वो ये कब कंसिडर करे, जब ये रियल में एक्चुअल में रियलाइज हो जाए या कन्फर्म हो जाए, क्योंकि तब तक इसे कंसिडर करना लॉजिकली सही नहीं है। तो ये कहलाता है वेरिएबल कंसिडरेशन के कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, अनसर्टेनिटी लंबे समय तक रिजॉल्व नहीं होगी, पास्ट हिस्ट्री है कि डिस्काउंट देना पड़ता है, पॉसिबल आउटकम बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में बेहतर है कि आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन में वेरिएबल कंसिडरेशन को शामिल ना करो, अदरवाइज आप कर सकते हैं। आया सबको समझ में? दिस इज द लॉजिक ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। तो वो रेवेन्यू 20 बुक कर ले, रिजल्ट आने के बाद और मिल ले 5 तो 5 बुक कर ले, नहीं तो छोड़े। ठीक है, अब अगला सवाल। कई बार दोस्तों आजकल ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन प्राइस में डिफरेंशिएट किया जाता है, किसमें? देयर इज अ डिफरेंशिएशन डन बेसिकली इन कैश प्राइस एंड क्रेडिट प्राइस। तो अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंडेक्स पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे समझते होगे, इसलिए फटाफट बता देता हूँ।
अगर आपकी कैश प्राइस और क्रेडिट प्राइस अलग अलग है, तो जो कैश प्राइस है आप उसी को सेल मानोगे, और क्रेडिट प्राइस कैश प्राइस के डिफरेंस को इंटरेस्ट इनकम मानोगे जो क्रेडिट पीरियड में आप इनकम बुक करोगे। मतलब समझना क्या है, से फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिंग सर्टन गुड्स, मैंने मशीन बेची आपको, मेरा काम है मशीन बना के बेचने का, 100 लैक्स, 1 करोड़ की मशीन बेच दी आपको, आपने पैसे दे दिए, खत्म। यही मशीन आपने बोला कि यार है ना मुझे 6 महीने का या साल भर का क्रेडिट चाहिए, मैंने बोला यार चलो 1 करोड़ 10 लाख रुपए इसकी कीमत है, साल भर बाद पैसे देना। उसने बोला ठीक, तो आई हैव सोल्ड गुड्स विथ 1 ईयर क्रेडिट फॉर 1 करोड़ 10 लाख रुपीज। और आज मैंने सेल बुक कर दी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 करोड़ 10 लाख, बिंदास 1 करोड़ 10 लाख की इनकम बुक हो गई, साल भर बाद 1 करोड़ 10 लाख आ जाएंगे। इनफैक्ट मेरी कैश प्राइस 100 लाख है ही नहीं, मैं तो साल भर के क्रेडिट में 110 लाख पे ही बेचता हूँ, ताकि मैं इनकम पूरी 110 लाख अभी बुक कर लूँ। कस्टमर अगर कभी बोले कि यार मैंने 6 महीने बाद पैसे दे दिए, तो मैं उसको बोलता हूँ मैं कैश डिस्काउंट दे दूंगा, और कैश डिस्काउंट 5 लाख का दूंगा तो क्या करूंगा, सेल्स तो 110 लाख की बुक कर दी, कैश डिस्काउंट जो मैं दूंगा वो एक्सपेंस बुक कर दूंगा, तो मेरी सेल्स बढ़िया बढ़ के दिखेगी। और आजकल तो सेल्स के बेसिस पे वैल्यूएशन भी होते हैं कंपनी के, आप देखो फ्लिपकार्ट का $16 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया, प्राइमरली बेस्ड ऑन व्हाट, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्स, ह्यूज। तो उस एंगल से अगर मैं देखूं तो मैं अपनी सेल्स बढ़ा सकता हूं ऐसा करके, और कस्टमर को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जल्दी पैसे दे देगा, तो उसको कैश डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट उतनी पड़ेगी। तो ये बढ़िया तरीका हो सकता है मैनिपुलेशन करने का। और आपने सुना ही है बचपन से 11वीं से कि सेल क्रेडिट पर होती है और बाद में कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसको सेल से माइनस नहीं करते, एक्सपेंस दिखाते, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सेल से माइनस होता है, कैश डिस्काउंट एक्सपेंस दिखाया जाता है। ये सब तरीके हैं दोस्तों सेल्स बढ़ा के दिखाने के। इंडेस कहता है कि अगर आपके क्रेडिट प्राइस कैश प्राइस से अलग है, यानी आप क्रेडिट पे माल बेचते हो, ज्यादा पैसे लेते हो, तो कैश में आप या मार्केट में जो भी कैश में बेचता है, कितने में बेचता है सिमिलर गुड्स को, वो ही आपकी सेल प्राइस है, बची हुई आपकी इंटरेस्ट इनकम है। तो अगर मैं सही अकाउंटिंग करूं तो मैं 110 लाख में 1 साल का क्रेडिट के साथ अगर बेच रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा नॉर्मली 100 लाख पे बिकता है, तो आज मैं एंट्री करूं डेटर टू सेल्स 100 लाख, और साल भर में मैं एंट्री करूं डेटर टू इंटरेस्ट इनकम 10 लाख, और फिर 1 साल बाद पैसे रिसीव कर लूं कैश टू डेटर 110 लाख। अगर उसने 6 महीने बाद ही 105 लाख दे दिए, तो मैं कोई एक्सपेंस बुक नहीं करूंगा, इंटरेस्ट इनकम कम बुक करूंगा, और मैं बोलूंगा कि भैया मेरी सेल्स हुई है 100 लाख की और 5 लाख की इंटरेस्ट इनकम हुई। जबकि पुराने जमाने में 110 लाख की सेल्स दिखा के आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने ऑपरेटिंग इनकम बढ़ा के सेल्स बढ़ा के इन्फ्लेट करके दिखा देते थे, और कैश डिस्काउंट को आप एक फाइनेंसिंग कॉस्ट जैसे अलग से खर्चा शो कर सकते थे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े हुए दिख सकते थे। ये सब गलत तरीके। तो घुमा फिरा के अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर कैश प्राइस और क्रेडिट प्राइस अलग अलग है आपकी, या मार्केट की कैश प्राइस और आपकी सेलिंग प्राइस अलग है, और रीजन ऑफ डिफरेंस इज बेसिकली क्रेडिट, तो फिर आप कैश प्राइस इक्विवेलेंट ही सेल्स प्राइस बुक करोगे और बचे हुए को इंटरेस्ट एलिमेंट बुक करेंगे। हालांकि इंडेस कहता है कि अगर आपकी प्राइस का डिफरेंशिएशन का रीजन इज नॉट ड्यू टू फाइनेंसिंग, एज इन मैं एक कस्टमर को 100 पे और एक कस्टमर को 110 पे बेचता हूँ, दोनों को साल भर का क्रेडिट देता हूँ, डिफरेंस इसलिए पुराने कस्टमर को 100 लाख, नए कस्टमर को 110 लाख, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस एक्चुअली क्रेडिट के कारण नहीं है, अदर रीजन के कारण है, तो यहाँ पे फिर मैं 100 और 110 लाख की सेल बुक कर सकता हूँ, बिकॉज द रीजन इज नॉट फाइनेंसिंग। इनफैक्ट इंडेस ने यह भी कहा है कि अगर आपका क्रेडिट पीरियड साल भर से कम है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, यानी कि प्रैक्टिकली आप उस केस में ऐसा मान सकते हो कि जो सेल प्राइस है वही आपकी एक्चुअल सेल प्राइस है, आपको इंटरेस्ट एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। पर अगर क्रेडिट पीरियड 1 साल से ज्यादा है, तो इंटरेस्ट एलिमेंट सब्सटैंशियल होगा, तो आप कैश प्राइस निकालो, उसको सेल्स बुक करो, और कैश प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट बुक होगा, उसके लिए आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना होगा, जिसे आप डिस्काउंटिंग फैक्टर कह सकते हो, जो डेट ऑफ इंसेप्शन पे निकाला जाएगा, बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं। यानी घुमा फिरा के आपको कैश प्राइस इक्विवेलेंट को ही इनकम बुक करना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है आप उल्टा करो, भैया कैश में लोगे तो 100 और एडवांस दोगे तो 90, उस केस में साल भर बाद गुड्स डिलीवर होंगे, पैसा आज मिलेगा पर 90 में ही मिल जाएगा। तो
ऐसे केस में आपने जो 90 आज रिसीव किया, आप मानो कि आपने लोन लिया है साल भर का, उसका 10 लाख रुपए का आपका ब्याज है, जिसे आप क्या करोगे, आज पैसे करोगे जब रिसीव होंगे बैंक अकाउंट, डेबिट टू एडवांस लोन 90, साल भर में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 10 टू एडवांस 10, तो एडवांस हो जाएगा 100 पे, और फिर एडवांस टू सेल्स करोगे आप 100 से, तो सेल्स आप 100 की बुक करोगे। यानी दोनों हो सकता है इसमें, हो सकता है आप एडवांस लेके प्राइस कम करो या क्रेडिट देके प्राइस बढ़ा दो, हमें जो एक्चुअल कैश प्राइस है उसके बराबर सेल्स बुक करना है, प्रोवाइडेड द डिफरेंस रीजन प्राइमरली इज कमिंग आउट ऑफ द फाइनेंसिंग एलिमेंट। तो इंडेस ने ये सब बताया है बेसिकली कि 1 साल से कम का डिफरेंस है, रीजन अदर देन क्रेडिट है, कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट नहीं है। नॉर्मली जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है या कस्टमर अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, गुड्स लेट ले रहा है, ये सब चीज़ है, तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज फाइनेंसिंग एलिमेंट का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था टाइटन की घड़ी, मैंने जब खरीदी तो मैंने पुरानी सुपरमैन की घड़ी दी और 4,000 रुपये दिए, तो टाइटन कंपनी सेल्स कैसे बुक करेगी? तो टाइटन कंपनी को दो चीज़ मिली है, कैश और नॉन कैश कंसिडरेशन। इंडेस कहता है कि नॉन कैश कंसिडरेशन अगर सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया जा रहा है, ना कि कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में, देन इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा? इन दैट पर्टिकुलर केस नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू को आप जोड़ दीजिए किसमें, सेलिंग प्राइस में। सिंपल। यानी टाइटन कंपनी क्या करेगी? टाइटन कंपनी बोलेगी पुरानी घड़ी नॉर्मली कितने की होती है, तो वह एक एवरेज प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, यानी कि प्रैक्टिकली वो क्या कर सकती है, एक अजम्पशन ले सकती है कि एवरेज 200 रुपये की पुरानी घड़ियों की वैल्यू होती है, जो भी हम क्या करते हैं उनके पार्ट्स निकाल के यूज़ करवा लेते हैं, तो 200 वो 4,000 ये 4,200 की सेल्स बुक कर दो, खत्म। 5,000 सिर्फ एक दिखावा है, एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं है, आप यूँ समझ लो 800 रुपये ट्रेड डिस्काउंट है। ओके। तो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की वैल्यू आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब इसमें एक पेचीदा मामला कब उठता है समझना। मैं जोधपुर स्वीट्स के साथ पास गया और मैंने बोला कि यार 1-1 किलो के मुझे 50 गुलाब जामुन चाहिए। उन्होंने बोला डन, बना के दे देंगे, 20,000 रुपये प्राइस डिसाइड हो गई। मैंने कहा यार बहुत महंगा नहीं कर रहे हो इसमें, है क्या तुमको मावा यूज करना है और घी यूज करना है और शक्कर, और तुम जो भाव ले रहे हो 500 रुपये किलो, उसमें एक चीज समझ लो कि 1 किलो में सबसे ज्यादा तो तुम शक्कर की ये वजन डालोगे, उसके बाद मावा और उसके बाद घी, तो पैसे लगी कितने रहे तुम्हारे। उसने बोला भैया बहुत आसान होता है बोलना, घी का प्रयोग बहुत होने वाला है इसमें। मैंने बोला यार एक काम कर, अगर ऐसा है तो तू बता दे कितना घी लगने वाला है, घी मैं लाके दे देता हूँ, खत्म, प्राइस कम कर दे। उसने बोला चलो डन। अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया है कि वो उनसे 500 रुपये किलो की बजाय 300 रुपये किलो ले रहा है, घी मैंने सप्लाई करना है। अब ये बताओ जोधपुर स्वीट्स वाला सेल्स कितनी बुक करेगा किलो की, 300 रुपये या 500 रुपये? सर उसको तो अपन 300 के हिसाब से ही दे रहे हैं, तो 300 ही बुक करेगा, बट आप नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन भी तो दे रहे हो उसको घी। हाँ पर सर वो तो सेल बुक नहीं करेगा उसकी। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कई लोग तो यही करेंगे कि वो क्या करेंगे, दिखा देंगे कि भैया इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने गाड़ी खरीदी तो टायर मैंने ही सप्लाई किया, यानी टायर का बिल अलग से बनवा देंगे और गाड़ी अलग बेच देंगे, और इस तरह से प्लानिंग हो जाएगी। और प्लानिंग ऐसी भी हो सकती है जिससे मैं जीएसटी बचा लूं, जैसे कि स्वीट्स के ऊपर हो सकता है फॉर एग्जांपल जीएसटी 18% है, और घी के ऊपर हो सकता है से फॉर एग्जांपल जीएसटी 1% है, तो मैं ऐसा कुछ मैनिपुलेशन घुमा सकता हूं और प्राइसिंग चेंज करके टैक्स बचा सकता हूं, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। इंडेस कहता है कस्टमर ने कोई नॉन मॉनिटरी नॉन कैश कंसिडरेशन दिया है एंटिटी को, सेलर को, आपको ये समझना है कि क्या सेलर का उसके ऊपर कंट्रोल आ गया क्या? इफ द आंसर इज यस, देन इन दैट पर्टिकुलर केस उसकी फेयर वैल्यू आपको ऐड करना होगी, और अगर कंट्रोल नहीं आया है तो फिर उस केस में आपको कहना होगा कि सेलर का काम सिर्फ उसने जो बना के दिया है वो है, जो गुड्स आपने सप्लाई की उसको ऐड मत करना। मतलब समझ में आ गया शायद। अगर घी खरीद के मैंने जोधपुर स्वीट्स को बोला घी आप रख लो, बचा हुआ जो भी हो वो मुझे दे देना, उसने बोला ऐसा नहीं होगा, इतने किलो घी चाहिए, हम हमारे हिसाब से बनाएंगे, अब आप भूल जाओ आपने घी दिया है, तो इसका मतलब प्रैक्टिकली मेरा कंट्रोल लॉस्ट है,
तो अब कितने की सेल्स बुक करेगा वो, तो उसे परचेज दिखाना पड़ेगी घी की और सेल बुक करना पड़ेगी। और सेल कितने से बुक होगा, 300 रुपये पर केजी जो वो चार्ज कर रहा है, प्लस फेयर वैल्यू ऑफ घी जो हो सकता है पर केजी 200, 180, 170 जो भी है। लेकिन मैंने कहा कि भैया आप बता दो जैसे जैसे लगेगा मैं करवाते जाऊंगा, और उसके हिसाब से आप तो यूज़ बताते जाना, देते जाएंगे, बाकी हम ले लेंगे। यानी मैंने कोई कंट्रोल नहीं दिया है अपने घी के ऊपर उसको, सामने वाले को। तो इस पर्टिकुलर केस पे फिर क्या होगा, वो जो 300 रुपये चार्ज कर रहा है बस उसका उत्तर रेवेन्यू बुक करेगा। कंस्ट्रक्शन कुड बी अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मैंने बड़ा वियर्ड एग्जाम्पल लिया, पर क्या होता है दोस्त, वियर्ड एग्जाम्पल दिमाग में बैठे हुए रहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन लेके समझाऊंगा, आप अल्टीमेटली आखिरकार सब चीज़ें भूल जाओगे, इसलिए अपन थोड़े से एग्जाम्पल ऐसे अजीब से यूज़ कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर सुन, सीमेंट गिट्टी ये सब सरिया मैं सप्लाई करूंगा, तू तो बस लेबर सप्लाई कर। उसने बोला ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रैक्टिकली सीमेंट गिट्टी सरिया सब पे मेरा कंट्रोल है, तो वो जो चार्ज कर रहा है बस उतना रेवेन्यू बुक करेगा। लेकिन वो बोलता है भैया सीमेंट वगैरह आप, मैं आपको बताऊंगा, आप छोड़ के चले जाना, फिर भूल जाना, तो ही हम आपका कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमें ये सब पसंद नहीं है, फिर आप गिनो ये सीमेंट कहाँ लगी, ये कहाँ लगी। देन इन दैट केस, क्योंकि कंट्रोल मेरा शिफ्ट हो रहा है उसके ऊपर, इसलिए वो पूरे अमाउंट की सेल्स बुक करेगा, और जो मैंने उसको दिया है उसकी वो परचेज दिखाएगा। कौन? सेलर। मैं सेलर के लिए अकाउंटिंग डिस्कस कर रहा हूँ, कस्टमर के लिए नहीं। तो इसके लिए बोला गया है कि फेयर वैल्यू अगर आप ऑप्टेन, कंट्रोल सेलर ऑप्टेन करता है, तो उस केस में फेयर वैल्यू को ऐड करना है, अदरवाइज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और फेयर वैल्यू आपको कब की लेना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, एट द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप समझना, मैंने जो घी सप्लाई करने की आपसे बात की थी, तो आपने मुझे कहा था कि यार आप एक काम करना है ये बनाने के लिए हमें क्या करेगा, तो वी विल रिक्वायर 500 ग्राम्स ऑफ घी फॉर एवरी केजी। 500 ग्राम घी लगेगा मुझे हर किलो मिठाई बनाने के लिए, और कंट्रोल सामने ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस समय आपको 500 ग्राम घी की कीमत निकालना है, ना कि जब आप सप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल में कितने का पड़ा। तो उस समय सपोज 500 ग्राम घी की कीमत आ रही थी 180 रुपये, तो आपको 180 रुपये जोड़ना है। सर 180 में तो वनस्पति डालना आएगा, और जो भी है शायद, हो सकता है अपन ने एकाध गुलाब जामुन सीए के लिए बनवाया हो, खैर वो छोड़ो। तो यहाँ पे आपको उस समय की कीमत देखना है, हो सकता है जब आप एक्चुअल में घी खरीदने जाओ, डिलीवर करने जाओ, तब उसकी कीमत ऊपर नीचे हो गई हो, वो नहीं देखना है। डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जो फेयर वैल्यू है गुड्स टू बी सप्लाइड बाय द कस्टमर, उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। और ट्रांजैक्शन प्राइस का आखिरी डिस्कशन, कई बार ऐसा होता है कैशबैक पेटीएम की, सेलर एंटिटी पेटीएम पैसे आपसे चार्ज कर रहा है और कैशबैक देने की बात कर रहा है। तो कैशबैक कूपन कोई भी ऐसी चीज़ दी गई है, तो ये माना जाएगा कि इट इज़ टू बी डिडक्टेड और रिड्यूस्ड फ्रॉम द कंसिडरेशन, इट इज़ एन एडजस्टमेंट टू द ट्रांजेक्शन प्राइस। यानी पेटीएम बोलता है 1000 की चीज़ खरीदो, 200 रुपये कैशबैक जाएगा, तो आपको पेटीएम को मानना है कि उसकी सेल्स 800 रुपये ही है, और इस एंगल से वो अपनी बुक्स में सेल्स 800 ही दिखा पाएगा, क्योंकि 200 रुपये उसने रिटर्न कर दिए। अगर मैं कैशबैक नहीं दे रहा हूँ और कोई कैश की जगह कोई गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ या कूपन दे रहा हूँ, तो फिर आपको उसकी फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगी कितनी है, और वो फेयर वैल्यू आपको ट्रांजैक्शन प्राइस से माइनस करना पड़ेगी। तो पेटीएम ने कहा कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप हमारे यहाँ से 10 मूवी टिकट खरीदते हो, तो उस केस में हम आपको अगली परचेज पर 2 मूवी टिकट फ्री दे देंगे। तो वो कैश नहीं दे रहा है आपको, वो 2 मूवी टिकट दे रहा है। तब इस केस में सपोज आज 10 मूवी टिकट मैंने खरीदी, 100 रुपये की एक टिकट थी, तो 1000 रुपये की खरीदी। अब 100 में कहाँ आती है सर, अरे यार एग्जाम्पल है। और उसने मुझे बोला है कि 2 मूवी टिकट में फ्री दूंगा, तो अब उसने क्या किया, आज 1000 रुपये चार्ज किया। इस पर AS9 ग्रॉस अमाउंट चार्ज 1000 रेवेन्यू बुक हो जाता था। IND AS 115 में ऐसा नहीं है। 115 बोलता है 1000 रुपये आपने प्राइस चार्ज करी है, पर बदले में आपने पे बैक किया है कस्टमर को 2 मूवी टिकट, उसकी फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के दिन कितनी है। तो पेटीएम ने क्या किया है, पेटीएम को नॉर्मली वो जो भी जो 2 मूवी टिकट वापस आपको देगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार उसकी फेयर वैल्यू उसके लिए 75 रुपीज पर टिकट पड़ती है, तो वो 150 रुपीज माइनस कर देगा। तो उसके लिए सेल्स कितनी बुक होगी आज, 850, पर उसको पैसे तो 1000 मिले हैं। तो पेटीएम अकाउंटिंग करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स 850 टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर 150, और कस्टमर फिर क्या करेगा, जब बाकी की आने वाले समय में टिकट्स खरीदेगा, तो उसने बाद में सपोज कस्टमर ने 5 टिकट खरीदी, तो पैसे 3 के देगा, 2 हम फ्री में दे देंगे। उस समय पेटीएम बचे हुए पुराने एडवांस को सेल्स में ट्रांसफर कर देगा। सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लैप्स हो जाए, कस्टमर ना खरीदे, तो जब लैप्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तब पेटीएम चेंज इन एस्टिमेट करके उसको सेल्स बुक कर देगा।
यानी मुद्दा यह है कि अब अगर आप कस्टमर को कुछ भी पे बैक करोगे तो वो पे बैक की फेयर वैल्यू आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट टू ट्रांजैक्शन प्राइस बनना। बस इंडेस ये कहता है, आगे अपन जब स्पेशल टॉपिक्स देखेंगे तो वहाँ पे इंडेस कहता है कि अगर आप जो पे बैक में दे रहे हैं उसका कोई सब्सटैंशियल वैल्यू नहीं है। जैसे कई लोग क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ से अगर आप पहली बार गुड्स खरीदोगे तो अगली परचेज पे 10% डिस्काउंट, और नॉर्मली अगर कोई कस्टमर ज़्यादा निगोशिएट करे तो वो पहली परचेज पे भी 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो ऐसे केस में जो डिस्काउंट अपन अगली बार देने की बात करें वो सब्सटेंसिव नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या मान लेना, आप ऐसा मान लेना कि ये 10% डिस्काउंट जो देने की बात की है ये इरेलीवेंट है, यानी टोटल पैसा जो मिला है उसको सेल्स बुक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि कोई भी अगर आप कंसिडरेशन कस्टमर को दे रहे हो तो ये एडजस्ट करोगे आप सेल्स प्राइस से। हाँ, एक चीज इंडेस और कहता है कि आप जो कस्टमर को पे बैक कर रहे हो वो उसी कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हो, ना कि कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। ना मैंने इसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इसका मतलब क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया है जिसमें हमने कहा है कि आई विल बाय गुड्स फ्रॉम यू एंड आई विल पे यू 1000 रुपीज फॉर इट, फॉर द गुड्स, एंड यू विल बाय सम गुड्स फ्रॉम मी एंड यू विल पे 100 रुपीज फॉर मी, 100 रुपीज टू मी फॉर इट। पॉसिबल है क्या ऐसा? पॉसिबल है क्या ऐसा? बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्या है, सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, अलग है। तो यहाँ पे आपको कोई ट्रांजैक्शन प्राइस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि यार आपकी से फॉर एग्जाम्पल किराने की शॉप है, तो आपकी किराने की शॉप पे मैं आया और मैंने 1000 रुपये का किराने का सामान खरीदा। आपने बोला यार आपका तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल। आपने कहा कि यार मेरा एक लड़का है उसे मुझे भेजना है, मैंने बोला हाँ भेज दीजिए कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला क्या फीस है, हमने बोला यार बहुत सस्ता 100 रुपये फीस है, आप तो भेज दो। सर क्या बात कर रहे हो, अरे यार फिगर बड़े लेते हैं, परेशान होते हैं अपन समझने में, सिंपल रखो। तो मैंने आपको 1000 दिए, आपका कोई ही लड़का आया हमारे यहाँ पर पढ़ने, उससे हमने 100 रुपये चार्ज किया। अब आप बताओ क्या आप सेल 1000 के बुक कर सकते हो, या आपको बोलना होगा 100 रुपये जो आप रिटर्न कर रहे हो तो 900 रुपये नेट होगी। नहीं, 1000 की बुक करो, क्यों? क्योंकि वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि आपने मुझे गुड सेल किया 1000 के, हेलो, और आपने पूछा यार स्टूडेंट को भेजना है फीस कितनी है, तो मैंने कहा कि एक काम करो आप मुझे स्टूडेंट की फीस 100 की बजाय 150 दे देना, आज गुड्स के 1000 की 1050 ले लो, मुझे सेल बढ़ा के दिखाना है। आप मान गए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप जो पेमेंट मुझे कर रहे हो वो फेयर वैल्यू ऑफ दी सर्विस से ज्यादा है, वो एक्सेस पेमेंट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन प्राइस। उल्टा भी हो सकता था, मैंने आपको बोला यार आप 950 रुपये ले लो, लड़का पढ़ाएंगे ना, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं आप 50 रुपये उसकी फीस ले लेना। ये मैं सेल्स कम करके टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस केस में भी क्या हो रहा है, आप जो मुझे 50 दे रहे हो वो फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू 100 है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस प्रैक्टिकली उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए था, आपको मुझे 100 देना थे पर आप 50 ही दे रहे हो। 50 क्यों कम दे रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ सेल प्राइस 50 से कम की है, तो आइडियली यहाँ पे वापस से सेल प्राइस 1000 बुक होगी। और आप क्या एंट्री करोगे, कैश डेबिट 950, प्रीपेड ट्यूशन फीस 50, टू सेल्स 1000। समझ में आ गया? तो कैशबैक अगर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो फिर उस पर्टिकुलर केस में ट्रांजैक्शन प्राइस से एडजस्ट नहीं होगा, पर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इन्फ्लुएंस्ड है इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो डिफरेंस जो इन्फ्लुएंस है वो एडजस्ट होगा। ये आपको यहाँ पे टेबल में समझाएंगे। बस ये ट्रांजैक्शन प्राइस है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिफाइंड होगी। पहला हो सकता है वेरिएबल कंसिडरेशन हो, उसके अलग अलग तरीके से आप डिसाइड करता ऐड करता है। यदि हो सकता है कैश प्राइस और क्रेडिट प्राइस में फर्क होने के कारण फैंसिंग एलिमेंट हो, उसे कंसिडर कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे यू आर पेइंग बैक समथिंग टू द कस्टमर और कस्टमर इज गिविंग यू दैट मॉनिटरी कंसिडरेशन। नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन कस्टमर से मिल रहा है तो आप देखिए क्या कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, तो फेयर वैल्यू ऐड करो। और अगर आप कस्टमर को कुछ पे बैक कर रहे हो तो आप देखो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है और प्राइस इंडिपेंडेंट है तो कुछ मत करो, नहीं तो उसका एडजस्टमेंट आपको ट्रांजैक्शन प्राइस से करना पड़ेगा। ये सब करके आपको ट्रांजैक्शन प्राइस पता पड़ जाएगी। अब अगर आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में सिंगल है और सिंगल प्राइस आपके पास है तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे परफॉर्मेंस सेटिस्फाई होगा स्टेप 5 बोलता है वैसे वैसे रेवेन्यू बुक कर देना।
लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मल्टीपल है और प्राइस एक है, तो अब आपको स्टेप फोर लगाना है जिसमें इस प्राइस को लॉजिकल बेसिस पे आपको अलोकेट करना पड़ेगा दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। फिर जैसे जैसे ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी वैसे वैसे रेवेन्यू बुक होते जाएगा। तो अल्टीमेटली स्टेप फाइव पे जाना है, बीच में स्टेप फोर लगाना पड़ेगा अगर एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सिंगल प्राइस है। और आप मुझे बताओ लॉजिकली आप कैसे डिवाइड करोगे? तो सिंपल लॉजिक है, इसको बहुत ही ब्रीफ में क्विकली बता देता हूँ आपको। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है आपके न्यू कोर्स के सिलेबस में, बट बहुत सिंपल है। आप कैसे अलोकेट करोगे प्राइस ही आपको समझना है। तो आप देखिए एक सिंपल क्विक एग्जांपल ले लेता हूं। आपने हमारी एफआर की पेन ड्राइव खरीदी, ठीक है? तो आपने एफआर की पेन ड्राइव परचेज करी न्यू सिलेबस की से 15,000 रुपीज में, तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या बताओ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम? तो भाई हमें तो पेन ड्राइव देना है और उसके बाद प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप समझिए उसके बाद कोई ऑब्लिगेशन नहीं बचता है, तो इट इज़ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बीच में आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कुछ डैमेज हुआ है वो मांग पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि आधे लेक्चर हमने ले लिए तो हम आधे आपसे पैसे ले सकते। फॉर द वेरी सिंपल रीजन यू कैन अंडरस्टैंड वॉट, कि यहाँ पेन ड्राइव सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, अगर फेस टू फेस क्लास की बात करें और एक बैच है और बीच में अगर वो बैच किसी कारण से कस्टमर कैंसिल करता है विदाउट द फॉल्ट ऑफ द सप्लायर, तो हम प्रोपोर्शनेट पैसे उस केस में क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं, ऐसा अपन अज्यूम कर सकते हैं। हेलो, लेकिन पेन ड्राइव तो क्या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जब मैं आपको डिलीवर करूंगा पूरी इनकम बुक कर लूंगा, खत्म हो गई बात। बट सपोज क्या कि आपने कॉम्बो ले लिया कि भाई एफआर और ऑडिट का सर आपका कॉम्बो दे दीजिए। अब एफआर ऑडिट के कॉम्बो की सपोज प्राइस 25,000 थी। अब आप समझना, एफआर की हमारी प्राइस है 15 इंडिविजुअली और ऑडिट की से फॉर एग्जाम्पल हमारी प्राइस है 12.5 इंडिविजुअली सपोज, तो कॉम्बो आपका है 25, यानी 27.5 है, तो 2.5 का डिस्काउंट हो रहा है। अब आप समझिए मैं रेवेन्यू कब कैसे क्या बुक करूं। तो सर इसमें दिमाग क्या लगाना है, दोनों में पेन ड्राइव देनी है, मैं आपको दोनों पेन ड्राइव दे दूंगा, दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक साथ सेटिस्फाई हो गई है, मैं पूरा 25 का रेवेन्यू बुक कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, आपने बोला सर एफआर की पेन ड्राइव तो अभी दे दो, ऑडिट किया है ना 6 महीने बाद लेंगे, पर ऑर्डर अभी कर देते ताकि कॉम्बो डिस्काउंट मिल जाए। मैंने बोला चलो भाई ऐसा कर लो। तो आपने क्या किया, आज पेमेंट 25 कर दिया और एफआर की पेन ड्राइव ले ली और ऑडिट की 6 महीने बाद लोगे, तो मेरे लिए आज रेवेन्यू क्या पूरा 25 बुक करना सही होगा क्या? नहीं, आज मैंने कंट्रोल आपको किसके ऊपर ट्रांसफर करके दिया, एफआर की पेन ड्राइव, तो रेवेन्यू उतना ही बुक कर पाऊंगा। अब क्वेश्चन ये है कितना बुक करूं, क्या 15 बुक कर दूं और बचा हुआ 10 ऑडिट का बाद में बुक कर लें? बस ये समझना है आपको। इंडेस क्या बोलता है, इंडेस बोलता है कि जब भी आपकी एक प्राइस में मल्टीपल पी हो तो आपको स्टैंड अलोन प्राइस को बेस बनाना है और उसी प्राइस में आप टोटल प्राइस को अलोकेट कर दो, वेरिएबल कंसिडरेशन को अलोकेट कर दो, डिस्काउंट को अलोकेट कर दो। यानी इस एग्जांपल में डिस्काउंट कितना है 2.5, तो उसको आप 15:12.5 के रेशियो में अलोकेट कर दीजिए। इसका मतलब आप 6:5 के रेशियो में डिस्काउंट अलोकेट कर दो और एफआर में जितना डिस्काउंट जाएगा माइनस करके उसका उतना रेवेन्यू बुक कर दो। कितना सिंपल है, आया ये समझ में? प्रॉब्लम कब होती, जब से फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जिसकी इंडिविजुअल प्राइस अवेलेबल ही नहीं है। क्या मतलब इंडिविजुअल प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो से फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी हैव डन इज इंडिविजुअली हम इसको 15 में सेल करते हैं, ये 12.5 है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि ये GFRS है और ये टोटल कॉम्बो जो है ये 25 का है, FR प्लस GFRS का, और GFRS अलग से हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, वो आप FR के साथ ही ले सकते हो। पर आप चाहो तो आज FR की क्लास ले लो, GFRS की 6 महीने बाद ले लो, साल भर बाद ले लो। मैंने आपको एफआर दे दी, GFRS आप बाद में लोगे। एफआर की अलग प्राइस है 15, टोटल कॉम्बो की प्राइस है 25, GFRS की प्राइस ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, तो एक लॉजिक हो सकता है एफआर की 15 मान लो और बैलेंस GFRS की 10 मान लो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई डिस्काउंट दिया हो जो अलोकेट करना। तो इसके लिए इंडेस ने कुछ मेथड्स दिए हैं। क्या मेथड दिए आप समझो, ये बोलते हैं सबसे पहले तो स्टैंड अलोन प्राइस लेना, लेकिन अगर कभी स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल ना हो तो इनमें से कोई मेथड यूज कर लेना। पहला मेथड एडजस्टेड मार्केट प्राइस अप्रोच। एडजस्टेड मार्केट प्राइस का मतलब GFRS के लेक्चर्स अदरवाइज मार्केट में क्या प्राइस पर अवेलेबल है और उसके बेसिस पर मैं या हम पढ़ाएंगे तो उसकी क्या प्राइस होना चाहिए, उसके बेसिस पे एक अलोकेशन करके आप एडजस्टेड प्राइस GFRS की लेक्चर की निकाल लो। सपोज आपको लगता है वो 12:30 आती है तो जैसा ऑडिट में किया था वैसा कर दो।
पर आपको लगता है नहीं यार लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, या वो अवेलेबल है तो आई कैन नॉट कंपेयर लेक्चर ऑफ वन फैकल्टी विद अनदर फैकल्टी, हेंस दे आर नॉट कंपेरेबल. तो यू कैन गो विद कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच. पर नॉर्मली क्या होता है टीचिंग तरह के असाइनमेंट्स में, इस तरह के असाइनमेंट्स में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इतनी सॉलिड तरह से आप कर नहीं पाओगे, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स प्रॉपर होगा नहीं, तो कॉस्ट बेस्ड कॉस्टिंग काम नहीं आएगी, प्राइसिंग काम नहीं आएगी. तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता इन तरह के प्रोडक्ट्स में कि दर इज अ कॉस्ट और उस पर मार्जिन जोड़ के हम दे देते, हम तो कॉस्ट पर ही दे देते. हाँ सर मालूम है, तो ये भी काम नहीं आएगी. तो फिर आखिरी अप्रोच है रेसिडुअल वैल्यू अप्रोच, जो लास्ट ऑप्शन है, जिसमें आप क्या करोगे, जिसकी प्राइस नहीं पता है वो बैलेंसिंग फिगर मान लो, यानी 10,000. बस ये तरीके से आपको प्राइस एलोकेट करना है, डिस्काउंट एलोकेट करना है, वेरिएबल कंसिडरेशन एलोकेट करना है, और अगर कोई ट्रांजैक्शन प्राइस चेंज होती है तो उसका एलोकेशन करना है. एक बार प्राइस एलोकेट हो गई फिर बस स्टेप 5 लगाना है आपको, जो क्या कहता है अगर आपका एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है तो ट्रांजैक्शन प्राइस इतनी एलोकेट हुई है पूरा रेवेन्यू बुक कर दो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है तो प्रोपोर्शन में रेवेन्यू बुक कर दो, स्टेप 2, 3, 4 के प्रिंसिपल लगा के ये आपका 5-स्टेप मॉडल कंप्लीट. इसके बेसिस पे अब आप पूरा इंड एस 115 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिकॉर्ड कर सकते हैं. दिस कवर्स एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकियस्ट पार्ट ऑफ द इंड एस. और ये पूरा देखने के बाद आपको कंक्लूजन क्या समझ में आया होगा, लेट मी गिव यू अ रिकैपिटुलेशन ऑफ द होल पर्टिकुलर थिंग. इंड एस 115 बोलता है सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स में, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ पढ़ के रेवेन्यू समझ में आएगा आपको कैसे बुक करना है. तो पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, एनफोर्सिएबल होना चाहिए, यूनिलैटरली कैंसिलेबल नहीं होना चाहिए, प्राइस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिलमेंट की एक्सपेक्टेशन प्राइस मिलने की उम्मीद सब कुछ होना चाहिए. ये सब होने के बाद स्कोप में आना चाहिए, कोलैबोरेशन अग्रीमेंट वगैरह हैं तो ये सब इसमें कवर नहीं होंगे, सेल ऑफ पीपी वगैरह इंड एस 115 में नहीं आएगा. ये समझ के अब आप देखो कि अब आपको इंड एस लगाना है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप टू में आप देखो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है. एक या अनेक, एक जैसी गुड्स और सर्विस तो एक मान लो, सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर है एक मान लो, डिस्टिंक्ट है तो अलग अलग मान लो. कैसे चेक करना है, क्या कस्टमर इंटीग्रेशन पे फोकस करता है, सॉरी क्या सेलर इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहा है, क्या एक गुड दूसरे को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है. इनमें से कुछ भी है तो मान लो ये सब एक गुड्स और सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो. और अगर सेपरेट गुड्स और सर्विसेज है तो हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को अलग अलग रेवेन्यू रिकॉग्निशन में ले जाना है. पर उससे पहले समझ लो हर पीओ सेटिस्फाई या तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होगा या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा. अगर वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको क्या करना है, जब तक खर्चे कर रहे हो उसको कॉन्ट्रैक्ट असेट दिखाते जाना. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ब्रीफली मैंने यही कवर कर दिया. तो तब तक आप क्या करना, रेगुलर में ऑब्वियसली सब कवर होता है, यहाँ पे मैंने आपको कम समय में ब्रीफली जो ओवरऑल हो सकता है वो करवा दिया है, सो दैट आप इसके बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को असेट बुक करते जाना, और जब आपका कंट्रोल ऑन असेट ट्रांसफर हो जाए तो पूरा रेवेन्यू एक साथ बुक कर लेना. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है तो आपको मेजर करना पड़ेगा सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द परफॉर्मेंस. वो मेजरमेंट के इनपुट आउटपुट बेस्ड मेथड में से कोई मेथड यूज करना, और रेवेन्यू जितना एलोकेट किया उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में प्रोपोर्शनेटली बुक करते जाना. नो कॉस्ट नो प्रॉफिट लॉस मेथड यूज करना जब मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पर रियलाइजेशन सर्टेनिटी हो. फिर आप स्टेप 3 में ट्रांजेक्शन प्राइस निकाल लो. प्राइस में देख लो कोई क्रेडिट के कारण, कोई कैश कंसिडरेशन के, सॉरी कोई क्रेडिट एलिमेंट फाइनेंसिंग एलिमेंट तो नहीं है. वेरिएबल कंसिडरेशन का क्या करना है, क्या कैशबैक तो नहीं दिया है, कोई नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन तो नहीं मिला है, ये सब दिमाग में रख के प्राइस डिसाइड कर लो. स्टेप 4 में स्टैंड अलोन प्राइस के बेसिस पे प्राइस वेरिएबल कंसिडरेशन डिस्काउंट को लोकेट कर दो. हर पीओ की प्राइस आ जाएगी, जैसे जैसे पीओ सेटिस्फाई होगा ओवर या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रेवेन्यू बुक हो जाएगा. इस तरह से आप इंड एस 115 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर सकते हैं. बाकी इसके आगे का मटेरियल आपको मैं शेयर करूंगा, तो आपको वेबसाइट पर जा बताया वहां से डाउनलोड करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग और इसके बेसिस पर ये जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं अपेंडिक्स बी में दिए गए हैं, ये स्पेशल टॉपिक्स आप गो थ्रू सेल्फ करेंगे तो इसके बेसिस पे आपको ये समझ में आ जाएगा. हमारे सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, इनफैक्ट जिनके पास अपनी पेन ड्राइव है, उनके साथ सारे अमेंडमेंट लेक्चर्स जो शेयर किए उसमें अगर आप चाहते हैं इनके बारे में देखना, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी द लास्ट टू लेक्चर्स, जिसमें आपको ये सारे स्पेशल टॉपिक्स, डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन और ट्रांजिशन वाली चीजें पता पड़ जाएंगी. बाकी कोर कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा दिया. आई होप कम समय में हमने एक अच्छी कवरेज की हो, एंड आई होप दैट यू वुड हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर यूजफुल. देयर वाज अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दैट इज व्हाई आई थॉट आई विल सेपरेटली क्रिएट अ रिवीजन लेक्चर फॉर इंड एस 115, सो दैट यू कैन सेव टाइम एंड ऑल्सो कवर द इंड एस एंड ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. थैंक यू.